पार्ट नेक्स्ट। 40 सेकंड का कॉल किया गया। आसपास के इलाकों। वो लोग मुंबई में ही हैं सर। And our team is on the way. इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर हुआ रिलीज। सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओब्रॉय खेल खत्म करने के लिए है तैयार। क्या रोहित शेट्टी की दुनिया से ज्यादा विस्फोटक और हाई ऑक्टेन कुछ है? इसकी अत्यधिक संभावना नहीं है और उनकी पहली पुलिस एक्शन सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर इसी पर जोर देता है। कुछ भी हो, शेट्टी का कॉप यूनिवर्स इस बार और भी अधिक विस्तृत और रोमांचकारी होने वाला है, जिसमें पहले से कहीं अधिक संख्या में कारें हवा में उड़ती नजर आएगा। श्रृंखला का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर शुक्रवार को जारी किया गया, जो एक नाटकीय विस्फोट के साथ खुलता है, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी का संवाद होता है, जिसमें कहा गया है कि ये घटना किसी बाजार पर हमला नहीं है, बल्कि हमारे साहस और प्रतिबद्धता पर हमला है। साथ ही अधिकारियों को मामले को तेजी से सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना। सालों बाद उन्हें काकरोच कहने के बाद कंगना रनौत का कहना है कि विक्रांत मेसी इरफान खान द्वारा छोड़े गए शून्य को भर सकते हैं। हम खेल नहीं खेलते, दिल्ली पुलिस ने खेल खत्म कर दिया है, एसपी कबीर मलिक आईपीएस कहते हैं, जिसकी गूंज यस सर से गूंजती है। उनके मत हतों की आवाज पूरे पुलिस मुख्यालय में गूंजती रहती है। उच्च प्रेरणा के बावजूद कबीर, अंजलि शेट्टी और विक्रम बख्शी की टीम दोषियों की पहचान करने के लिए संघर्ष करती है, जिससे दिल्ली पुलिस के सामने चुनौतियां बढ़ जाती है। इस बीच टीम के सदस्यों के बीच टकराव पैदा हो जाता है, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। लेकिन चिंता ना करें, दृढ़ निश्चयी पुलिसकर्मी झुकने से इनकार करते हैं और चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। रोहित शेट्टी द्वारा निर्मित पुलिस एक्शन ड्रामा सीरीज में श्वेता तिवारी, निकितिन धीर,
ऋतुराज सिंह, मुकेश ऋषि और ललित परिमुख भी प्रमुख भूमिकाओं में है। भारतीय पुलिस बॉल 19 जनवरी 2024 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। स्ट्रीमिंग दिग्गज के एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये श्रृंखला भारतीय पुलिस अधिकारियों की निस्वार्थ सेवा, अटूट प्रतिबद्धता और उग्र देशभक्ति को हार्दिक श्रद्धांजलि देती है, जिन्होंने राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए अपने कर्तव्य के आह्वान पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस शो में 7 एपिसोड शामिल है। ट्रेलर लॉन्च के दिन अपने विचार साझा करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल में खाकी वर्दी पहनने पर गर्व है। ये उस्ताद रोहित शेट्टी के साथ पुलिस जगत का अगला अध्याय है। हमारे बहादुर ढिल्लों को चित्रित करना हमेशा एक बड़ी जिम्मेदारी है और कबीर मलिक के चरित्र के माध्यम से ऐसा करने में सक्षम होना एक सम्मान की बात थी। खतरे के बावजूद भी सत्य के प्रति प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयास हमारे देश के पुलिस बल की सच्ची भावना को दर्शाते हैं। इस पुलिस एक्शन ड्रामा की कहानी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए बलिदानों पर गहराई से प्रकाश डालती है। दर्शकों को एक रोमांचक और मनोरंजक यात्रा पर ले जाने, अपने वास्तविक जीवन के नायकों का जश्न मनाने और उनका सम्मान करने के लिए उत्साहित हो। जय हिंद। भारतीय पुलिस बॉल का हिस्सा बनना मेरे लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव था। ये सिर्फ एक पुलिस श्रृंखला नहीं है, ये हमारे देश के गुमनाम नायकों, बहादुर पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल शुरू होने से ही एड्रेनलिन रश पैक करता है, जिससे दर्शक अपनी सीटों से चिपके रहते हैं। पहली महिला पुलिस कर्मी के रूप में पुलिस जगत में अपनी पहली वेब श्रृंखला के लिए रोहित शेट्टी के साथ सहयोग करना वास्तव में मेरे लिए एक बड़ा क्षण था। पुलिस परिवेश में उनकी दृष्टि और अनुभव से सेलुलाइट पर कानून प्रवर्तन और अधिकारियों के चित्रण में एक अद्वितीय तीव्रता जोड़ दी है। श्रृंखला में एक महिला पुलिस कर्मी होने के नाते एक्शन दृश्यों में शामिल होना सशक्त और उत्साह वर्धक दोनों था। मेरा किरदार एक मजबूत चरित्र है जो दर्शाता है कि ताकत और लचीलापन कोई लिंग नहीं जानता, और मुझे उस श्रृंखला का हिस्सा होने पर गर्व है जो हमारे भारतीय पुलिस बॉल की विविधता का जश्न मनाती है। भारतीय पुलिस बॉल शेट्टी के पुलिस बर्मान का स्ट्रीमिंग स्पिन ऑफ है, जिसमें सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, सूर्यवंशी, सिम्बा और आगामी सिंघम 3 जैसे नाटकीय हिट शामिल है। कॉप यूनिवर्स में सिद्धार्थ संग दिल्ली पुलिस की धमाकेदार एंट्री। रिलीज हुआ ट्रेलर। एक लंबे समय से फैंस सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के ट्रेलर के इंतजार में बैठे हुए थे। रोहित शेट्टी की डेब्यू सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा करते हुए नजर आने वाले हैं। खैर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय स्टारर इस वेब सीरीज को फैंस के बीच अभी OTT में आने के लिए थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन प्रशंसकों की बेकरारी को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों की तरह ही भरपूर एक्शन डाला है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी कॉप्स यूनिवर्स पर सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी और इस जैसी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज के माध्यम से दर्शकों के बीच पुलिस अधिकारियों की क्रिमिनल्स को पकड़ने की दिन रात मेहनत को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स का ये 3 मिनट का ट्रेलर काफी धमाकेदार है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के खेलने नहीं खेल खत्म करने और खून किसी का भी बहे आंसू माँ के निकलते हैं और दिल्ली का लौंडा जैसे दमदार डायलॉग्स आपका दिल जीत लेंगे। वहीं शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की जुगलबंदी देखने के बाद आप बस देखते ही रह जाएंगे। इंडियन पुलिस फोर्स में सिद्धार्थ, शिल्पा और विवेक ओबरॉय का दमदार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों के जरिए अब तक महाराष्ट्र पुलिस को हीरो के रूप में पर्दे पर दर्शाया है, लेकिन ये पहली बार है जब वो दिल्ली पुलिस की कहानी को भी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने डेब्यू सीरीज में रोहित शेट्टी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उनकी फिल्मों के फ्लेवर यानी कि एक्शन और गाड़ी उड़ाना दर्शक वेब सीरीज में भी कहीं मिस न करे। रोहित शेट्टी और सुशांत प्रकाश के निर्देशन में बनी इस सीरीज के एक छोटे से ट्रेलर ने फैंस के बीच बेचैनी और भी बढ़ा दिया है।
शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबेरॉय के अलावा इस वेब सीरीज में शरद तेलकार भी नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स 19 जनवरी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर आउट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय ने कमाल कर दिया। आखिरकार रोहित शेट्टी की धाकड़ फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो OTT पर धमाका करने के लिए तैयार नजर आ रही है। इस फिल्म से सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय OTT पर डेब्यू करने जा रहे हैं, और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि यकीनन वो तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में मसाला एक्शन ड्रामा सब कुछ है। 3 मिनट 2 सेकंड की इस ट्रेलर में वो सब कुछ नजर आ रहा है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधने का दम रखती है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है दिल्ली के पार्लियामेंट में हुए बम धमाके वाले सीन से, जहां आग का गोला नजर आ रहा है। यहां से शुरू होती है दिल्ली पुलिस की जंग और उसकी शुरुआत। इस ट्रेलर में देश की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक सुरक्षा वाली जगह पार्लियामेंट हाउस के पास दिखाए हमले ने सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस में हर काम मच जाता है। इस ट्रेलर की शुरुआत में कहा जा रहा है कि आज जो हुआ है हमला किसी मार्केट पर नहीं, हमारी हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ है। सांप हमारे से खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। आखिरकार दिल्ली पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस पर भी उंगलियां उठती है और फिर शुरू होती है अपराधियों के जड़ से दबोचने की जंग। ट्रेलर में शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा की सीनियर ऑफिसर के रोल में है और काफी दमदार नजर आई है। ट्रेलर के एक सीन में शिल्पा सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछताछ करते हुए बताती है कि उनके बारे में जो सुना है वो कुछ अच्छा नहीं। हालांकि सिद्धार्थ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि वो इस सिस्टम के सबसे शानदार सिपाही है। आखिरकार यही टीम दिल्ली पुलिस को भी धाकड़ टीम बना जाती है। वो बम धमाका करने वालों को ढूंढ निकालने में जी जान लगा देती है। जवाब पुलिस ऑफिसर्स की कहानियों पर सिम्बा सिंघम और सूर्यवंशी जैसी शानदार एक्शन फिल्में बना चुके रोहित शेट्टी इस बार इंडियन पुलिस फोर्स की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जज्बे सिपाहियों की, जो अपराधियों और आतंकियों के जड़ों तक पहुंचने के लिए अपनी जान का बाजी लगा देते हैं। बता दें कि इस फिल्म का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर होने वाला है। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर हुआ रिलीज, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय खेल खत्म करने के लिए है तैयार। क्या रोहित शेट्टी की दुनिया से ज्यादा विस्फोटक और हाई ऑक्टेन कुछ है? इसकी अत्यधिक संभावना नहीं है, और उनकी पहली पुलिस एक्शन सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर इसी पर जोर देता है। कुछ भी हो, शेट्टी का कॉप यूनिवर्स इस बार और भी अधिक विस्तृत और रोमांचकारी होने वाला है, जिसमें पहले से कहीं अधिक संख्या में कारें हवा में उड़ती नजर आएगा। श्रृंखला का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर शुक्रवार को जारी किया गया, जो एक नाटकीय विस्फोट के साथ खुलता है, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी का संवाद होता है जिसमें कहा गया है कि ये घटना किसी बाजार पर हमला नहीं है बल्कि हमारे साहस और प्रतिबद्धता पर हमला है। साथ ही अधिकारियों को मामले को तेजी से सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना, सालों बाद उन्हें काकरोच कहने के बाद कंगना रनौत का कहना है कि विक्रांत मेसी इरफान खान द्वारा छोड़े गए शून्य को भर सकते हैं। हम खेल नहीं खेलते, दिल्ली पुलिस ने खेल खत्म कर दिया है, SP कबीर मलिक IPS कहते हैं, जिसकी गूंज यस सर से गूंजती है। उनके मत हतों की आवाज पूरे पुलिस मुख्यालय में गूंजती रहती है। उच्च प्रेरणा के बावजूद कबीर, अंजलि शेट्टी और विक्रम बख्शी की टीम दोषियों की पहचान करने के लिए संघर्ष करती है, जिससे दिल्ली पुलिस के सामने चुनौतियां बढ़ जाती है। इस बीच टीम के सदस्यों के बीच टकराव पैदा हो जाता है, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। लेकिन चिंता ना करें, दृढ़ निश्चयी पुलिसकर्मी झुकने से इनकार करते हैं और चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। रोहित शेट्टी द्वारा निर्मित पुलिस एक्शन ड्रामा सीरीज में श्वेता तिवारी, निकितिन धीर,
रितु राज सिंह, मुकेश ऋषि और ललित परिमुख भी प्रमुख भूमिकाओं में है। भारतीय पुलिस बॉल 19 जनवरी 2024 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। स्ट्रीमिंग दिग्गज के एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये श्रृंखला भारतीय पुलिस अधिकारियों की निस्वार्थ सेवा, अटूट प्रतिबद्धता और उग्र देशभक्ति को हार्दिक श्रद्धांजलि देती है, जिन्होंने राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए अपने कर्तव्य के आह्वान पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस शो में 7 एपिसोड शामिल है। ट्रेलर लॉन्च के दिन अपने विचार साझा करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल में खाकी वर्दी पहनने पर गर्व है। ये उस्ताद रोहित शेट्टी के साथ पुलिस जगत का अगला अध्याय है। हमारे बहादुर डीलों को चित्रित करना हमेशा एक बड़ी जिम्मेदारी है और कबीर मलिक के चरित्र के माध्यम से ऐसा करने में सक्षम होना एक सम्मान की बात थी। खतरे के बावजूद भी सत्य के प्रति प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयास हमारे देश की पुलिस बॉल की सच्ची भावना को दर्शाते हैं। इस पुलिस एक्शन ड्रामा की कहानी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए बलिदानों पर गहराई से प्रकाश डालती है। दर्शकों को एक रोमांचक और मनोरंजक यात्रा पर ले जाने, अपने वास्तविक जीवन के नायकों का जश्न मनाने और उनका सम्मान करने के लिए उत्साहित हो। जय हिंद। भारतीय पुलिस बॉल का हिस्सा बनना मेरे लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव था। ये सिर्फ एक पुलिस श्रृंखला नहीं है, ये हमारे देश के गुमनाम नायकों, बहादुर पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल शुरू होने से ही एड्रेनलिन रश पैक करता है, जिससे दर्शक अपनी सीटों से चिपके रहते हैं। पहली महिला पुलिसकर्मी के रूप में पुलिस जगत में अपनी पहली वेब श्रृंखला के लिए रोहित शेट्टी के साथ सहयोग करना वास्तव में मेरे लिए एक बड़ा क्षण था। पुलिस परिवेश में उनकी दृष्टि और अनुभव से सेलुलाइट पर कानून प्रवर्तन और अधिकारियों के चित्रण में एक अद्वितीय तीव्रता जोड़ दी है। श्रृंखला में एक महिला पुलिसकर्मी होने के नाते एक्शन दृश्यों में शामिल होना सशक्त और उत्साहवर्धक दोनों था। मेरा किरदार एक मजबूत चरित्र है जो दर्शाता है कि ताकत और लचीलापन कोई लिंग नहीं जानता, और मुझे उस श्रृंखला का हिस्सा होने पर गर्व है जो हमारे भारतीय पुलिस बॉल की विविधता का जश्न मनाती है। भारतीय पुलिस बॉल शेट्टी के पुलिस बर्मान का स्ट्रीमिंग स्पिन ऑफ है, जिसमें सिंगम, सिंगम रिटर्न्स, सूर्यवंशी, सिम्बा और आगामी सिंगम 3 जैसे नाटकीय हिट शामिल है। कॉप यूनिवर्स में सिद्धार्थ संग दिल्ली पुलिस की धमाकेदार एंट्री। रिलीज हुआ ट्रेलर। एक लंबे समय से फैंस सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के ट्रेलर के इंतजार में बैठे हुए थे। रोहित शेट्टी की डेब्यू सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा करते हुए नजर आने वाले हैं। खैर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय स्टारर इस वेब सीरीज को फैंस के बीच अभी OTT में आने के लिए थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन प्रशंसकों की बेकरारी को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों की तरह ही भरपूर एक्शन डाला है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी कॉप्स यूनिवर्स पर संगम, सिम्बा, सूर्यवंशी और इस जैसी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज के माध्यम से दर्शकों के बीच पुलिस अधिकारियों की क्रिमिनल्स को पकड़ने की दिन रात मेहनत को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स का ये 3 मिनट का ट्रेलर काफी धमाकेदार है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के खेलने नहीं खेल खत्म करने और खून किसी का भी बहे आंसू माँ के निकलते हैं और दिल्ली का लौंडा जैसे दमदार डायलॉग्स आपका दिल जीत लेंगे। वही शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की जुगलबंदी देखने के बाद आप बस देखते ही रह जाएंगे। इंडियन पुलिस फोर्स में सिद्धार्थ, शिल्पा और विवेक ओबेरॉय का दमदार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों के जरिए अब तक महाराष्ट्र पुलिस को हीरो के रूप में पर्दे पर दर्शाया है, लेकिन ये पहली बार है जब वो दिल्ली पुलिस की कहानी को भी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने डेब्यू सीरीज में रोहित शेट्टी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उनकी फिल्मों के फ्लेवर यानी कि एक्शन और गाड़ी उड़ाना दर्शक वेब सीरीज में भी कहीं मिस न करे। रोहित शेट्टी और सुशांत प्रकाश के निर्देशन में बनी इस सीरीज के एक छोटे से ट्रेलर ने फैंस के बीच बेचैनी और भी बढ़ा दिया है।
शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबरॉय के अलावा इस वेब सीरीज में शरद तेलकार भी नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स 19 जनवरी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर आउट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय ने कमाल कर दिया। आखिरकार रोहित शेट्टी की धाकड़ फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो OTT पर धमाका करने के लिए तैयार नजर आ रही है। इस फिल्म से सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय OTT पर डेब्यू करने जा रहे हैं, और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि यकीनन वो तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में मसाला एक्शन ड्रामा सब कुछ है। 3 मिनट 2 सेकंड की इस ट्रेलर में वो सब कुछ नजर आ रहा है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधने का दम रखती है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है दिल्ली के पार्लियामेंट में हुए बम धमाके वाले सीन से, जहां आग का गोला नजर आ रहा है। यहां से शुरू होती है दिल्ली पुलिस की जंग और उसकी शुरुआत। इस ट्रेलर में देश की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक सुरक्षा वाली जगह पार्लियामेंट हाउस के पास दिखाए हमले ने सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस में हर काम मच जाता है। इस ट्रेलर की शुरुआत में कहा जा रहा है कि आज जो हुआ है हमला किसी मार्केट पर नहीं, हमारी हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ है। सांप हमारे से खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। आखिरकार दिल्ली पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस पर भी उंगलियां उठती है और फिर शुरू होती है अपराधियों के जड़ से दबोचने की जंग। ट्रेलर में शिल्पा शेट्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा की सीनियर ऑफिसर के रोल में है और काफी दमदार नजर आई है। ट्रेलर के एक सीन में शिल्पा सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछताछ करते हुए बताती है कि उनके बारे में जो सुना है वो कुछ अच्छा नहीं। हालांकि सिद्धार्थ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि वो इस सिस्टम के सबसे शानदार सिपाही है। आखिरकार यही टीम दिल्ली पुलिस को भी धाकड़ टीम बना जाती है। वो बम धमाका करने वालों को ढूंढ निकालने में जी जान लगा देती है। जवाब पुलिस ऑफिसर्स की कहानियों पर सिम्बा, सिंघम और सूर्यवंशी जैसी शानदार एक्शन फिल्में बना चुके रोहित शेट्टी इस बार इंडियन पुलिस फोर्स की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जज्बे सिपाहियों की, जो अपराधियों और आतंकियों के जड़ों तक पहुंचने के लिए अपनी जान का बाजी लगा देते हैं। बता दें कि इस फिल्म का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर होने वाला है। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर हुआ रिलीज, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय खेल खत्म करने के लिए है तैयार। क्या रोहित शेट्टी की दुनिया से ज्यादा विस्फोटक और हाई ऑक्टेन कुछ है? इसकी अत्यधिक संभावना नहीं है, और उनकी पहली पुलिस एक्शन सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर इसी पर जोर देता है। कुछ भी हो, शेट्टी का कॉप यूनिवर्स इस बार और भी अधिक विस्तृत और रोमांचकारी होने वाला है, जिसमें पहले से कहीं अधिक संख्या में कारें हवा में उड़ती नजर आएगा। श्रृंखला का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर शुक्रवार को जारी किया गया, जो एक नाटकीय विस्फोट के साथ खुलता है, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी का संवाद होता है जिसमें कहा गया है कि ये घटना किसी बाजार पर हमला नहीं है बल्कि हमारे साहस और प्रतिबद्धता पर हमला है। साथ ही अधिकारियों को मामले को तेजी से सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना। सालों बाद उन्हें काकरोच कहने के बाद कंगना रनौत का कहना है कि विक्रांत मेसी इरफान खान द्वारा छोड़े गए शून्य को भर सकते हैं। हम खेल नहीं खेलते, दिल्ली पुलिस ने खेल खत्म कर दिया है, SP कबीर मलिक IPS कहते हैं, जिसकी गूंज यस सर से गूंजती है। उनके मतहतों की आवाज पूरे पुलिस मुख्यालय में गूंजती रहती है। उच्च प्रेरणा के बावजूद कबीर, अंजलि शेट्टी और विक्रम बख्शी की टीम दोषियों की पहचान करने के लिए संघर्ष करती है, जिससे दिल्ली पुलिस के सामने चुनौतियां बढ़ जाती है। इस बीच टीम के सदस्यों के बीच टकराव पैदा हो जाता है, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। लेकिन चिंता ना करें, दृढ़ निश्चयी पुलिसकर्मी झुकने से इनकार करते हैं और चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। रोहित शेट्टी द्वारा निर्मित पुलिस एक्शन ड्रामा सीरीज में श्वेता तिवारी, निकितिन धीर,
ऋतुराज सिंह, मुकेश ऋषि और ललित परिमुख भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। भारतीय पुलिस बॉल 19 जनवरी 2024 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। स्ट्रीमिंग दिग्गज के एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये श्रृंखला भारतीय पुलिस अधिकारियों की निस्वार्थ सेवा, अटूट प्रतिबद्धता और उग्र देशभक्ति को हार्दिक श्रद्धांजलि देती है, जिन्होंने राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए अपने कर्तव्य के आह्वान पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस शो में 7 एपिसोड शामिल है। ट्रेलर लॉन्च के दिन अपने विचार साझा करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल में खाकी वर्दी पहनने पर गर्व है। ये उस्ताद रोहित शेट्टी के साथ पुलिस जगत का अगला अध्याय है। हमारे बहादुर डीलों को चित्रित करना हमेशा एक बड़ी जिम्मेदारी है और कबीर मलिक के चरित्र के माध्यम से ऐसा करने में सक्षम होना एक सम्मान की बात थी। खतरे के बावजूद भी सत्य के प्रति प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयास हमारे देश की पुलिस बॉल की सच्ची भावना को दर्शाते हैं। इस पुलिस एक्शन ड्रामा की कहानी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए बलिदानों पर गहराई से प्रकाश डालती है। दर्शकों को एक रोमांचक और मनोरंजक यात्रा पर ले जाने, अपने वास्तविक जीवन के नायकों का जश्न मनाने और उनका सम्मान करने के लिए उत्साहित हो। जय हिंद। भारतीय पुलिस बॉल का हिस्सा बनना मेरे लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव था। ये सिर्फ एक पुलिस श्रृंखला नहीं है, ये हमारे देश के गुमनाम नायकों, बहादुर पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल शुरू होने से ही एड्रेनलिन रश पैक करता है, जिससे दर्शक अपनी सीटों से चिपके रहते हैं। पहली महिला पुलिस कर्मी के रूप में पुलिस जगत में अपनी पहली वेब श्रृंखला के लिए रोहित शेट्टी के साथ सहयोग करना वास्तव में मेरे लिए एक बड़ा क्षण था। पुलिस परिवेश में उनकी दृष्टि और अनुभव से सेलुलाइट पर कानून प्रवर्तन और अधिकारियों के चित्रण में एक अद्वितीय तीव्रता जोड़ दी है। श्रृंखला में एक महिला पुलिस कर्मी होने के नाते एक्शन दृश्यों में शामिल होना सशक्त और उत्साह वर्धक दोनों था। मेरा किरदार एक मजबूत चरित्र है जो दर्शाता है कि ताकत और लचीलापन कोई लिंग नहीं जानता, और मुझे उस श्रृंखला का हिस्सा होने पर गर्व है जो हमारे भारतीय पुलिस बॉल की विविधता का जश्न मनाती है। भारतीय पुलिस बॉल शेट्टी के पुलिस बरमान का स्ट्रीमिंग स्पिन ऑफ है, जिसमें सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, सूर्यवंशी, सिम्बा और आगामी सिंघम 3 जैसे नाटकीय हिट शामिल है। कॉप यूनिवर्स में सिद्धार्थ संग दिल्ली पुलिस की धमाकेदार एंट्री। रिलीज हुआ ट्रेलर। एक लंबे समय से फैंस सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के ट्रेलर के इंतजार में बैठे हुए थे। रोहित शेट्टी की डेब्यू सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा करते हुए नजर आने वाले हैं। खैर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय स्टारर इस वेब सीरीज को फैंस के बीच अभी ओटीटी में आने के लिए थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन प्रशंसकों की बेकरारी को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों की तरह ही भरपूर एक्शन डाला है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी कॉप्स यूनिवर्स पर सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी और इस जैसी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीरीज के माध्यम से दर्शकों के बीच पुलिस अधिकारियों की क्रिमिनल्स को पकड़ने की दिन रात मेहनत को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स का ये 3 मिनट का ट्रेलर काफी धमाकेदार है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के खेलने नहीं खेल खत्म करने और खून किसी का भी बहे आंसू माँ के निकलते हैं और दिल्ली का लौंडा जैसे दमदार डायलॉग्स आपका दिल जीत लेंगे। वहीं शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की जुगलबंदी देखने के बाद आप बस देखते ही रह जाएंगे। इंडियन पुलिस फोर्स में सिद्धार्थ, शिल्पा और विवेक ओबरॉय का दमदार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों के जरिए अब तक महाराष्ट्र पुलिस को हीरो के रूप में पर्दे पर दर्शाया है, लेकिन ये पहली बार है जब वो दिल्ली पुलिस की कहानी को भी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने डेब्यू सीरीज में रोहित शेट्टी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उनकी फिल्मों के फ्लेवर यानी कि एक्शन और गाड़ी उड़ाना दर्शक वेब सीरीज में भी कहीं मिस न करे। रोहित शेट्टी और सुशांत प्रकाश के निर्देशन में बनी इस सीरीज के एक छोटे से ट्रेलर ने फैंस के बीच बेचैनी और भी बढ़ा दिया है।
शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबरॉय के अलावा इस वेब सीरीज में शरद केलकर भी नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स 19 जनवरी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर आउट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय ने कमाल कर दिया। आखिरकार रोहित शेट्टी की धाकड़ फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो OTT पर धमाका करने के लिए तैयार नजर आ रही है। इस फिल्म से सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय OTT पर डेब्यू करने जा रहे हैं, और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि यकीनन वो तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में मसाला एक्शन ड्रामा सब कुछ है। 3 मिनट 2 सेकंड की इस ट्रेलर में वो सब कुछ नजर आ रहा है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधने का दम रखती है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है दिल्ली के पार्लियामेंट में हुए बम धमाके वाले सीन से, जहां आग का गोला नजर आ रहा है। यहां से शुरू होती है दिल्ली पुलिस की जंग और उसकी शुरुआत। इस ट्रेलर में देश की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक सुरक्षा वाली जगह पार्लियामेंट हाउस के पास दिखाए हमले ने सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस में हर कांप मच जाता है। इस ट्रेलर की शुरुआत में कहा जा रहा है कि आज जो हुआ है हमला किसी मार्केट पर नहीं, हमारी हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ है। सांप हमारे से खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। आखिरकार दिल्ली पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस पर भी उंगलियां उठती है और फिर शुरू होती है अपराधियों के जड़ से दबोचने की जंग। ट्रेलर में शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा की सीनियर ऑफिसर के रोल में है और काफी दमदार नजर आई है। ट्रेलर के एक सीन में शिल्पा सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछताछ करते हुए बताती है कि उनके बारे में जो सुना है वो कुछ अच्छा नहीं। हालांकि सिद्धार्थ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि वो इस सिस्टम के सबसे शानदार सिपाही है। आखिरकार यही टीम दिल्ली पुलिस को भी धाकड़ टीम बना जाती है। वो बम धमाका करने वालों को ढूंढ निकालने में जी जान लगा देती है। जवाब पुलिस ऑफिसर्स की कहानियों पर सिम्बा, सिंघम और सूर्यवंशी जैसी शानदार एक्शन फिल्में बना चुके रोहित शेट्टी इस बार इंडियन पुलिस फोर्स की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जज्बे सिपाहियों की, जो अपराधियों और आतंकियों के जड़ों तक पहुंचने के लिए अपनी जान का बाजी लगा देते हैं। बता दें कि इस फिल्म का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर होने वाला है। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर हुआ रिलीज। सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय खेल खत्म करने के लिए है तैयार। क्या रोहित शेट्टी की दुनिया से ज्यादा विस्फोटक और हाई ऑक्टेन कुछ है? इसकी अत्यधिक संभावना नहीं है, और उनकी पहली पुलिस एक्शन सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर इसी पर जोर देता है। कुछ भी हो, शेट्टी का कॉप यूनिवर्स इस बार और भी अधिक विस्तृत और रोमांचकारी होने वाला है, जिसमें पहले से कहीं अधिक संख्या में कारें हवा में उड़ती नजर आएगा। श्रृंखला का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर शुक्रवार को जारी किया गया, जो एक नाटकीय विस्फोट के साथ खुलता है, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी का संवाद होता है जिसमें कहा गया है कि ये घटना किसी बाजार पर हमला नहीं है बल्कि हमारे साहस और प्रतिबद्धता पर हमला है। साथ ही अधिकारियों को मामले को तेजी से सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना। सालों बाद उन्हें काकरोच कहने के बाद कंगना रनौत का कहना है कि विक्रांत मेसी इरफान खान द्वारा छोड़े गए शून्य को भर सकते हैं। हम खेल नहीं खेलते, दिल्ली पुलिस ने खेल खत्म कर दिया है, SP कबीर मलिक IPS कहते हैं, जिसकी गूंज यस सर से गूंजती है। उनके मतहतों की आवाज पूरे पुलिस मुख्यालय में गूंजती रहती है। उच्च प्रेरणा के बावजूद कबीर, अंजलि शेट्टी और विक्रम बख्शी की टीम दोषियों की पहचान करने के लिए संघर्ष करती है, जिससे दिल्ली पुलिस के सामने चुनौतियां बढ़ जाती है। इस बीच टीम के सदस्यों के बीच टकराव पैदा हो जाता है, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। लेकिन चिंता ना करें, दृढ़ निश्चयी पुलिसकर्मी झुकने से इनकार करते हैं और चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। रोहित शेट्टी द्वारा निर्मित पुलिस एक्शन ड्रामा सीरीज में श्वेता तिवारी, निकितिन धीर, ऋतुराज सिंह, मुकेश ऋषि और ललित
परिमुख भी प्रमुख भूमिकाओं में है। भारतीय पुलिस बॉल 19 जनवरी 2024 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। स्ट्रीमिंग दिग्गज के एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये श्रृंखला भारतीय पुलिस अधिकारियों की निस्वार्थ सेवा, अटूट प्रतिबद्धता और उग्र देशभक्ति को हार्दिक श्रद्धांजलि देती है, जिन्होंने राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए अपने कर्तव्य के आह्वान पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस शो में 7 एपिसोड शामिल है। ट्रेलर लॉन्च के दिन अपने विचार साझा करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल में खाकी वर्दी पहनने पर गर्व है। ये उस्ताद रोहित शेट्टी के साथ पुलिस जगत का अगला अध्याय है। हमारे बहादुर डीलों को चित्रित करना हमेशा एक बड़ी जिम्मेदारी है और कबीर मलिक के चरित्र के माध्यम से ऐसा करने में सक्षम होना एक सम्मान की बात थी। खतरे के बावजूद भी सत्य के प्रति प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयास हमारे देश के पुलिस बल की सच्ची भावना को दर्शाते हैं। इस पुलिस एक्शन ड्रामा की कहानी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए बलिदानों पर गहराई से प्रकाश डालती है। दर्शकों को एक रोमांचक और मनोरंजक यात्रा पर ले जाने, अपने वास्तविक जीवन के नायकों का जश्न मनाने और उनका सम्मान करने के लिए उत्साहित हूँ। जय हिंद। भारतीय पुलिस बॉल का हिस्सा बनना मेरे लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव था। ये सिर्फ एक पुलिस श्रृंखला नहीं है, ये हमारे देश के गुमनाम नायकों, बहादुर पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल शुरू होने से ही एड्रेनलिन रश पैक करता है, जिससे दर्शक अपनी सीटों से चिपके रहते हैं। पहली महिला पुलिसकर्मी के रूप में पुलिस जगत में अपनी पहली वेब श्रृंखला के लिए रोहित शेट्टी के साथ सहयोग करना वास्तव में मेरे लिए एक बड़ा क्षण था। पुलिस परिवेश में उनकी दृष्टि और अनुभव से सेलुलाइट पर कानून प्रवर्तन अधिकारियों के चित्रण में एक अद्वितीय तीव्रता जोड़ दी है। श्रृंखला में एक महिला पुलिसकर्मी होने के नाते एक्शन दृश्यों में शामिल होना सशक्त और उत्साहवर्धक दोनों था। मेरा किरदार एक मजबूत चरित्र है जो दर्शाता है कि ताकत और लचीलापन कोई लिंग नहीं जानता, और मुझे उस श्रृंखला का हिस्सा होने पर गर्व है जो हमारे भारतीय पुलिस बॉल की विविधता का जश्न मनाती है। भारतीय पुलिस बॉल शेट्टी के पुलिस बलवान का स्ट्रीमिंग स्पिन ऑफ है, जिसमें सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, सूर्यवंशी, सिम्बा और आगामी सिंघम 3 जैसे नाटकीय हिट शामिल है। कॉप यूनिवर्स में सिद्धार्थ संग दिल्ली पुलिस की धमाकेदार एंट्री। रिलीज हुआ ट्रेलर। एक लंबे समय से फैंस सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के ट्रेलर के इंतजार में बैठे हुए थे। रोहित शेट्टी की डेब्यू सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा करते हुए नजर आने वाले हैं। खैर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय स्टारर इस वेब सीरीज को फैंस के बीच अभी OTT में आने के लिए थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन प्रशंसकों की बेकरारी को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों की तरह ही भरपूर एक्शन डाला है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी कॉप्स यूनिवर्स पर सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी और इस जैसी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज के माध्यम से दर्शकों के बीच पुलिस अधिकारियों की क्रिमिनल्स को पकड़ने की दिन रात मेहनत को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स का ये 3 मिनट का ट्रेलर काफी धमाकेदार है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के खेलने नहीं खेल खत्म करने और खून किसी का भी बहे आंसू माँ के निकलते हैं और दिल्ली का लौंडा जैसे दमदार डायलॉग्स आपका दिल जीत लेंगे। वही शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की जुगलबंदी देखने के बाद आप बस देखते ही रह जाएंगे। इंडियन पुलिस फोर्स में सिद्धार्थ, शिल्पा और विवेक ओबरॉय का दमदार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों के जरिए अब तक महाराष्ट्र पुलिस को हीरो के रूप में पर्दे पर दर्शाया है, लेकिन ये पहली बार है जब वो दिल्ली पुलिस की कहानी को भी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने डेब्यू सीरीज में रोहित शेट्टी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उनकी फिल्मों के फ्लेवर यानी कि एक्शन और गाड़ी उड़ाना दर्शक वेब सीरीज में भी कहीं मिस न करे। रोहित शेट्टी और सुशांत प्रकाश के निर्देशन में बनी इस सीरीज के एक छोटे से ट्रेलर ने फैंस के बीच बेचैनी और भी बढ़ा दिया है।
शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबरॉय के अलावा इस वेब सीरीज में शरद तेलकर भी नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स 19 जनवरी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर आउट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय ने कमाल कर दिया। आखिरकार रोहित शेट्टी की धाकड़ फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो OTT पर धमाका करने के लिए तैयार नजर आ रही है। इस फिल्म से सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय OTT पर डेब्यू करने जा रहे हैं, और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि यकीनन वो तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में मसाला एक्शन ड्रामा सब कुछ है। 3 मिनट 2 सेकंड की इस ट्रेलर में वो सब कुछ नजर आ रहा है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधने का दम रखती है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है दिल्ली के पार्लियामेंट में हुए बम धमाके वाले सीन से, जहां आग का गोला नजर आ रहा है। यहां से शुरू होती है दिल्ली पुलिस की जंग और उसकी शुरुआत। इस ट्रेलर में देश की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक सुरक्षा वाली जगह पार्लियामेंट हाउस के पास दिखाए हमले ने सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस में हर काम मच जाता है। इस ट्रेलर की शुरुआत में कहा जा रहा है कि आज जो हुआ है हमला किसी मार्केट पर नहीं, हमारी हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ है। सांप हमारे से खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। आखिरकार दिल्ली पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस पर भी उंगलियां उठती है और फिर शुरू होती है अपराधियों के जड़ से दबोचने की जंग। ट्रेलर में शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा की सीनियर ऑफिसर के रोल में है और काफी दमदार नजर आई है। ट्रेलर के एक सीन में शिल्पा सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछताछ करते हुए बताती है कि उनके बारे में जो सुना है वो कुछ अच्छा नहीं। हालांकि सिद्धार्थ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि वो इस सिस्टम के सबसे शानदार सिपाही है। आखिरकार यही टीम दिल्ली पुलिस को भी धाकर टीम बना जाती है। वो बम धमाका करने वालों को ढूंढ निकालने में जी जान लगा देती है। जवाब पुलिस ऑफिसर्स की कहानियों पर सिम्बा, सिंघम और सूर्यवंशी जैसी शानदार एक्शन फिल्में बना चुके रोहित शेट्टी इस बार इंडियन पुलिस फोर्स की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जज्बे सिपाहियों की, जो अपराधियों और आतंकियों के जड़ों तक पहुंचने के लिए अपनी जान का बाजी लगा देते हैं। बता दें कि इस फिल्म का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर होने वाला है। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर हुआ रिलीज। सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय खेल खत्म करने के लिए है तैयार। क्या रोहित शेट्टी की दुनिया से ज्यादा विस्फोटक और हाई ऑक्टेन कुछ है? इसकी अत्यधिक संभावना नहीं है, और उनकी पहली पुलिस एक्शन सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर इसी पर जोर देता है। कुछ भी हो, शेट्टी का कॉप यूनिवर्स इस बार और भी अधिक विस्तृत और रोमांचकारी होने वाला है, जिसमें पहले से कहीं अधिक संख्या में कारें हवा में उड़ती नजर आएगा। श्रृंखला का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर शुक्रवार को जारी किया गया, जो एक नाटकीय विस्फोट के साथ खुलता है, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी का संवाद होता है जिसमें कहा गया है कि ये घटना किसी बाजार पर हमला नहीं है बल्कि हमारे साहस और प्रतिबद्धता पर हमला है। साथ ही अधिकारियों को मामले को तेजी से सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना। सालों बाद उन्हें काकरोच कहने के बाद कंगना रनौत का कहना है कि विक्रांत मेसी इरफान खान द्वारा छोड़े गए शून्य को भर सकते हैं। हम खेल नहीं खेलते, दिल्ली पुलिस ने खेल खत्म कर दिया है, SP कबीर मलिक IPS कहते हैं, जिसकी गूंज यस सर से गूंजती है। उनके मत हतों की आवाज पूरे पुलिस मुख्यालय में गूंजती रहती है। उच्च प्रेरणा के बावजूद कबीर, अंजलि शेट्टी और विक्रम बख्शी की टीम दोषियों की पहचान करने के लिए संघर्ष करती है, जिससे दिल्ली पुलिस के सामने चुनौतियां बढ़ जाती है। इस बीच टीम के सदस्यों के बीच टकराव पैदा हो जाता है, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। लेकिन चिंता ना करें, दृढ़ निश्चयी पुलिसकर्मी झुकने से इनकार करते हैं और चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। रोहित शेट्टी द्वारा निर्मित पुलिस एक्शन ड्रामा सीरीज में श्वेता तिवारी, निकितिन धीर,
ऋतुराज सिंह, मुकेश ऋषि और ललित परिमुख भी प्रमुख भूमिकाओं में है। भारतीय पुलिस बॉल 19 जनवरी 2024 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। स्ट्रीमिंग दिग्गज के एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये श्रृंखला भारतीय पुलिस अधिकारियों की निस्वार्थ सेवा, अटूट प्रतिबद्धता और उग्र देशभक्ति को हार्दिक श्रद्धांजलि देती है, जिन्होंने राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए अपने कर्तव्य के आह्वान पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस शो में 7 एपिसोड शामिल है। ट्रेलर लॉन्च के दिन अपने विचार साझा करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल में खाकी वर्दी पहनने पर गर्व है। ये उस्ताद रोहित शेट्टी के साथ पुलिस जगत का अगला अध्याय है। हमारे बहादुर ढिल्लों को चित्रित करना हमेशा एक बड़ी जिम्मेदारी है और कबीर मलिक के चरित्र के माध्यम से ऐसा करने में सक्षम होना एक सम्मान की बात थी। खतरे के बावजूद भी सत्य के प्रति प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयास हमारे देश के पुलिस बॉल की सच्ची भावना को दर्शाते हैं। इस पुलिस एक्शन ड्रामा की कहानी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए बलिदानों पर गहराई से प्रकाश डालती है। दर्शकों को एक रोमांचक और मनोरंजक यात्रा पर ले जाने, अपने वास्तविक जीवन के नायकों का जश्न मनाने और उनका सम्मान करने के लिए उत्साहित हो। जय हिंद। भारतीय पुलिस बॉल का हिस्सा बनना मेरे लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव था। ये सिर्फ एक पुलिस श्रृंखला नहीं है, ये हमारे देश के गुमनाम नायकों, बहादुर पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल शुरू होने से ही एड्रेनलिन रश पैक करता है, जिससे दर्शक अपनी सीटों से चिपके रहते हैं। पहली महिला पुलिस कर्मी के रूप में पुलिस जगत में अपनी पहली वेब श्रृंखला के लिए रोहित शेट्टी के साथ सहयोग करना वास्तव में मेरे लिए एक बड़ा क्षण था। पुलिस परिवेश में उनकी दृष्टि और अनुभव से सेलुलाइट पर कानून प्रवर्तन और अधिकारियों के चित्रण में एक अद्वितीय तीव्रता जोड़ दी है। श्रृंखला में एक महिला पुलिस कर्मी होने के नाते एक्शन दृश्यों में शामिल होना सशक्त और उत्साह वर्धक दोनों था। मेरा किरदार एक मजबूत चरित्र है जो दर्शाता है कि ताकत और लचीलापन कोई लिंग नहीं जानता, और मुझे उस श्रृंखला का हिस्सा होने पर गर्व है जो हमारे भारतीय पुलिस बॉल की विविधता का जश्न मनाती है। भारतीय पुलिस बॉल शेट्टी के पुलिस बरमान का स्ट्रीमिंग स्पिन ऑफ है, जिसमें सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, सूर्यवंशी, सिम्बा और आगामी सिंघम 3 जैसे नाटकीय हिट शामिल है। कॉप यूनिवर्स में सिद्धार्थ संग दिल्ली पुलिस की धमाकेदार एंट्री। रिलीज हुआ ट्रेलर। एक लंबे समय से फैंस सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के ट्रेलर के इंतजार में बैठे हुए थे। रोहित शेट्टी की डेब्यू सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा करते हुए नजर आने वाले हैं। खैर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय स्टारर इस वेब सीरीज को फैंस के बीच अभी OTT में आने के लिए थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन प्रशंसकों की बेकरारी को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों की तरह ही भरपूर एक्शन डाला है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी कॉप्स यूनिवर्स पर संघम, सिम्बा, सूर्यवंशी और इस जैसी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज के माध्यम से दर्शकों के बीच पुलिस अधिकारियों की क्रिमिनल्स को पकड़ने की दिन रात मेहनत को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स का ये 3 मिनट का ट्रेलर काफी धमाकेदार है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के खेलने नहीं खेल खत्म करने और खून किसी का भी बहे आंसू माँ के निकलते हैं और दिल्ली का लौंडा जैसे दमदार डायलॉग्स आपका दिल जीत लेंगे। वही शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की जुगलबंदी देखने के बाद आप बस देखते ही रह जाएंगे। इंडियन पुलिस फोर्स में सिद्धार्थ, शिल्पा और विवेक ओबेरॉय का दमदार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों के जरिए अब तक महाराष्ट्र पुलिस को हीरो के रूप में पर्दे पर दर्शाया है, लेकिन ये पहली बार है जब वो दिल्ली पुलिस की कहानी को भी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने डेब्यू सीरीज में रोहित शेट्टी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उनकी फिल्मों के फ्लेवर यानी कि एक्शन और गाड़ी उड़ाना दर्शक वेब सीरीज में भी कहीं मिस न करे। रोहित शेट्टी और सुशांत प्रकाश के निर्देशन में बनी इस सीरीज के एक छोटे से ट्रेलर ने फैंस के बीच बेचैनी और भी बढ़ा दिया है।
शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबरॉय के अलावा इस वेब सीरीज में शरद तेलकार भी नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स 19 जनवरी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर आउट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय ने कमाल कर दिया। आखिरकार रोहित शेट्टी की धाकड़ फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो OTT पर धमाका करने के लिए तैयार नजर आ रही है। इस फिल्म से सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय OTT पर डेब्यू करने जा रहे हैं, और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि यकीनन वो तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में मसाला एक्शन ड्रामा सब कुछ है। 3 मिनट 2 सेकंड की इस ट्रेलर में वो सब कुछ नजर आ रहा है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधने का दम रखती है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है दिल्ली के पार्लियामेंट में हुए बम धमाके वाले सीन से, जहां आग का गोला नजर आ रहा है। यहां से शुरू होती है दिल्ली पुलिस की जंग और उसकी शुरुआत। इस ट्रेलर में देश की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक सुरक्षा वाली जगह पार्लियामेंट हाउस के पास दिखाए हमले ने सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस में हर कांप मच जाता है। इस ट्रेलर की शुरुआत में कहा जा रहा है कि आज जो हुआ है हमला किसी मार्केट पर नहीं, हमारी हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ है। सांप हमारे से खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। आखिरकार दिल्ली पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस पर भी उंगलियां उठती है और फिर शुरू होती है अपराधियों के जड़ से दबोचने की जंग। ट्रेलर में शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा की सीनियर ऑफिसर के रोल में है और काफी दमदार नजर आई है। ट्रेलर के एक सीन में शिल्पा सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछताछ करते हुए बताती है कि उनके बारे में जो सुना है वो कुछ अच्छा नहीं। हालांकि सिद्धार्थ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि वो इस सिस्टम के सबसे शानदार सिपाही है। आखिरकार यही टीम दिल्ली पुलिस को भी धाकर टीम बना जाती है। वो बम धमाका करने वालों को ढूंढ निकालने में जी जान लगा देती है। जवाब पुलिस ऑफिसर्स की कहानियों पर सिम्बा, सिंघम और सूर्यवंशी जैसी शानदार एक्शन फिल्में बना चुके रोहित शेट्टी इस बार इंडियन पुलिस फोर्स की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जज्बे सिपाहियों की, जो अपराधियों और आतंकियों के जड़ों तक पहुंचने के लिए अपनी जान का बाजी लगा देते हैं। बता दें कि इस फिल्म का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर होने वाला है। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर हुआ रिलीज, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय खेल खत्म करने के लिए है तैयार। क्या रोहित शेट्टी की दुनिया से ज्यादा विस्फोटक और हाई ऑक्टेन कुछ है? इसकी अत्यधिक संभावना नहीं है, और उनकी पहली पुलिस एक्शन सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर इसी पर जोर देता है। कुछ भी हो, शेट्टी का कॉप यूनिवर्स इस बार और भी अधिक विस्तृत और रोमांचकारी होने वाला है, जिसमें पहले से कहीं अधिक संख्या में कारें हवा में उड़ती नजर आएगा। श्रृंखला का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर शुक्रवार को जारी किया गया, जो एक नाटकीय विस्फोट के साथ खुलता है, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी का संवाद होता है जिसमें कहा गया है कि ये घटना किसी बाजार पर हमला नहीं है बल्कि हमारे साहस और प्रतिबद्धता पर हमला है। साथ ही अधिकारियों को मामले को तेजी से सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना। सालों बाद उन्हें काकरोच कहने के बाद कंगना रनौत का कहना है कि विक्रांत मेसी इरफान खान द्वारा छोड़े गए शून्य को भर सकते हैं। हम खेल नहीं खेलते, दिल्ली पुलिस ने खेल खत्म कर दिया है, SP कबीर मलिक IPS कहते हैं, जिसकी गूंज यस सर से गूंजती है। उनके मत हतों की आवाज पूरे पुलिस मुख्यालय में गूंजती रहती है। उच्च प्रेरणा के बावजूद कबीर, अंजलि शेट्टी और विक्रम बख्शी की टीम दोषियों की पहचान करने के लिए संघर्ष करती है, जिससे दिल्ली पुलिस के सामने चुनौतियां बढ़ जाती है। इस बीच टीम के सदस्यों के बीच टकराव पैदा हो जाता है, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। लेकिन चिंता ना करें, दृढ़ निश्चयी पुलिसकर्मी झुकने से इनकार करते हैं और चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। रोहित शेट्टी द्वारा निर्मित पुलिस एक्शन ड्रामा सीरीज में श्वेता तिवारी, निकितिन धीर,
ऋतुराज सिंह, मुकेश ऋषि और ललित परिमुख भी प्रमुख भूमिकाओं में है। भारतीय पुलिस बॉल 19 जनवरी 2024 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। स्ट्रीमिंग दिग्गज के एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये श्रृंखला भारतीय पुलिस अधिकारियों की निस्वार्थ सेवा, अटूट प्रतिबद्धता और उग्र देशभक्ति को हार्दिक श्रद्धांजलि देती है, जिन्होंने राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए अपने कर्तव्य के आह्वान पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस शो में 7 एपिसोड शामिल है। ट्रेलर लॉन्च के दिन अपने विचार साझा करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल में खाकी वर्दी पहनने पर गर्व है। ये उस्ताद रोहित शेट्टी के साथ पुलिस जगत का अगला अध्याय है। हमारे बहादुर ढिल्लों को चित्रित करना हमेशा एक बड़ी जिम्मेदारी है और कबीर मलिक के चरित्र के माध्यम से ऐसा करने में सक्षम होना एक सम्मान की बात थी। खतरे के बावजूद भी सत्य के प्रति प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयास हमारे देश के पुलिस बल की सच्ची भावना को दर्शाते हैं। इस पुलिस एक्शन ड्रामा की कहानी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए बलिदानों पर गहराई से प्रकाश डालती है। दर्शकों को एक रोमांचक और मनोरंजक यात्रा पर ले जाने, अपने वास्तविक जीवन के नायकों का जश्न मनाने और उनका सम्मान करने के लिए उत्साहित हो। जय हिंद। भारतीय पुलिस बॉल का हिस्सा बनना मेरे लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव था। ये सिर्फ एक पुलिस श्रृंखला नहीं है, ये हमारे देश के गुमनाम नायकों, बहादुर पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल शुरू होने से ही एड्रेनलिन रश पैक करता है, जिससे दर्शक अपनी सीटों से चिपके रहते हैं। पहली महिला पुलिस कर्मी के रूप में पुलिस जगत में अपनी पहली वेब श्रृंखला के लिए रोहित शेट्टी के साथ सहयोग करना वास्तव में मेरे लिए एक बड़ा क्षण था। पुलिस परिवेश में उनकी दृष्टि और अनुभव से सेलुलाइट पर कानून प्रवर्तन और अधिकारियों के चित्रण में एक अद्वितीय तीव्रता जोड़ दी है। श्रृंखला में एक महिला पुलिस कर्मी होने के नाते एक्शन दृश्यों में शामिल होना सशक्त और उत्साह वर्धक दोनों था। मेरा किरदार एक मजबूत चरित्र है जो दर्शाता है कि ताकत और लचीलापन कोई लिंग नहीं जानता, और मुझे उस श्रृंखला का हिस्सा होने पर गर्व है जो हमारे भारतीय पुलिस बॉल की विविधता का जश्न मनाती है। भारतीय पुलिस बॉल शेट्टी के पुलिस बलवान का स्ट्रीमिंग स्पिन ऑफ है, जिसमें सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, सूर्यवंशी, सिम्बा और आगामी सिंघम 3 जैसे नाटकीय हिट शामिल है। कॉप यूनिवर्स में सिद्धार्थ संग दिल्ली पुलिस की धमाकेदार एंट्री। रिलीज हुआ ट्रेलर। एक लंबे समय से फैंस सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के ट्रेलर के इंतजार में बैठे हुए थे। रोहित शेट्टी की डेब्यू सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा करते हुए नजर आने वाले हैं। खैर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय स्टारर इस वेब सीरीज को फैंस के बीच अभी OTT में आने के लिए थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन प्रशंसकों की बेकरारी को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों की तरह ही भरपूर एक्शन डाला है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी कॉप्स यूनिवर्स पर सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी और इस जैसी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज के माध्यम से दर्शकों के बीच पुलिस अधिकारियों की क्रिमिनल्स को पकड़ने की दिन रात मेहनत को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स का ये 3 मिनट का ट्रेलर काफी धमाकेदार है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के खेलने नहीं खेल खत्म करने और खून किसी का भी बहे आंसू माँ के निकलते हैं और दिल्ली का लौंडा जैसे दमदार डायलॉग्स आपका दिल जीत लेंगे। वहीं शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की जुगलबंदी देखने के बाद आप बस देखते ही रह जाएंगे। इंडियन पुलिस फोर्स में सिद्धार्थ, शिल्पा और विवेक ओबरॉय का दमदार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों के जरिए अब तक महाराष्ट्र पुलिस को हीरो के रूप में पर्दे पर दर्शाया है, लेकिन ये पहली बार है जब वो दिल्ली पुलिस की कहानी को भी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने डेब्यू सीरीज में रोहित शेट्टी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उनकी फिल्मों के फ्लेवर यानी कि एक्शन और गाड़ी उड़ाना दर्शक वेब सीरीज में भी कहीं मिस न करे। रोहित शेट्टी और सुशांत प्रकाश के निर्देशन में बनी इस सीरीज के एक छोटे से ट्रेलर ने फैंस के बीच बेचैनी और भी बढ़ा दिया है।
शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबेरॉय के अलावा इस वेब सीरीज में शरद तेलकार भी नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स 19 जनवरी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर आउट। सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय ने कमाल कर दिया। आखिरकार रोहित शेट्टी की धाकड़ फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो OTT पर धमाका करने के लिए तैयार नजर आ रही है। इस फिल्म से सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय OTT पर डेब्यू करने जा रहे हैं। और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि यकीनन वो तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में मसाला एक्शन ड्रामा सब कुछ है। 3 मिनट 2 सेकंड की इस ट्रेलर में वो सब कुछ नजर आ रहा है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधने का दम रखती है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है दिल्ली के पार्लियामेंट में हुए बम धमाके वाले सीन से, जहां आग का गोला नजर आ रहा है। यहां से शुरू होती है दिल्ली पुलिस की जंग और उसकी शुरुआत। इस ट्रेलर में देश की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक सुरक्षा वाली जगह पार्लियामेंट हाउस के पास दिखाए हमले ने सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस में हर काम मच जाता है। इस ट्रेलर की शुरुआत में कहा जा रहा है कि आज जो हुआ है हमला किसी मार्केट पर नहीं, हमारी हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ है। सांप हमारे से खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। आखिरकार दिल्ली पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस पर भी उंगलियां उठती है और फिर शुरू होती है अपराधियों के जड़ से दबोचने की जंग। ट्रेलर में शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा की सीनियर ऑफिसर के रोल में है और काफी दमदार नजर आई है। ट्रेलर के एक सीन में शिल्पा सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछताछ करते हुए बताती है कि उनके बारे में जो सुना है वो कुछ अच्छा नहीं। हालांकि सिद्धार्थ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि वो इस सिस्टम के सबसे शानदार सिपाही है। आखिरकार यही टीम दिल्ली पुलिस को भी धाकड़ टीम बना जाती है। वो बम धमाका करने वालों को ढूंढ निकालने में जी जान लगा देती है। जवाब पुलिस ऑफिसर्स की कहानियों पर सिम्बा सिंघम और सूर्यवंशी जैसी शानदार एक्शन फिल्में बना चुके रोहित शेट्टी इस बार इंडियन पुलिस फोर्स की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जज्बे सिपाहियों की, जो अपराधियों और आतंकियों के जड़ों तक पहुंचने के लिए अपनी जान का बाजी लगा देते हैं। बता दें कि इस फिल्म का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर होने वाला है। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर हुआ रिलीज। सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय खेल खत्म करने के लिए है तैयार। क्या रोहित शेट्टी की दुनिया से ज्यादा विस्फोटक और हाई ऑक्टेन कुछ है? इसकी अत्यधिक संभावना नहीं है और उनकी पहली पुलिस एक्शन सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर इसी पर जोर देता है। कुछ भी हो, शेट्टी का कॉप यूनिवर्स इस बार और भी अधिक विस्तृत और रोमांचकारी होने वाला है, जिसमें पहले से कहीं अधिक संख्या में कारें हवा में उड़ती नजर आएगा। श्रृंखला का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर शुक्रवार को जारी किया गया, जो एक नाटकीय विस्फोट के साथ खुलता है, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी का संवाद होता है जिसमें कहा गया है कि ये घटना किसी बाजार पर हमला नहीं है बल्कि हमारे साहस और प्रतिबद्धता पर हमला है। साथ ही अधिकारियों को मामले को तेजी से सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना। सालों बाद उन्हें काकरोच कहने के बाद कंगना रनौत का कहना है कि विक्रांत मेसी इरफान खान द्वारा छोड़े गए शून्य को भर सकते हैं। हम खेल नहीं खेलते, दिल्ली पुलिस ने खेल खत्म कर दिया है, SP कबीर मलिक IPS कहते हैं, जिसकी गूंज यस सर से गूंजती है। उनके मत हतों की आवाज पूरे पुलिस मुख्यालय में गूंजती रहती है। उच्च प्रेरणा के बावजूद कबीर, अंजलि शेट्टी और विक्रम बख्शी की टीम दोषियों की पहचान करने के लिए संघर्ष करती है, जिससे दिल्ली पुलिस के सामने चुनौतियां बढ़ जाती है। इस बीच टीम के सदस्यों के बीच टकराव पैदा हो जाता है, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। लेकिन चिंता ना करें, दृढ़ निश्चयी पुलिसकर्मी झुकने से इनकार करते हैं और चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। रोहित शेट्टी द्वारा निर्मित पुलिस एक्शन ड्रामा सीरीज में श्वेता तिवारी, निकितिन धीर,
रितु राज सिंह, मुकेश ऋषि और ललित परिमुख भी प्रमुख भूमिकाओं में है। भारतीय पुलिस बॉल 19 जनवरी 2024 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। स्ट्रीमिंग दिग्गज के एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये श्रृंखला भारतीय पुलिस अधिकारियों की निस्वार्थ सेवा, अटूट प्रतिबद्धता और उग्र देशभक्ति को हार्दिक श्रद्धांजलि देती है, जिन्होंने राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए अपने कर्तव्य के आह्वान पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस शो में 7 एपिसोड शामिल है। ट्रेलर लॉन्च के दिन अपने विचार साझा करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल में खाकी वर्दी पहनने पर गर्व है। ये उस्ताद रोहित शेट्टी के साथ पुलिस जगत का अगला अध्याय है। हमारे बहादुर डीलों को चित्रित करना हमेशा एक बड़ी जिम्मेदारी है और कबीर मलिक के चरित्र के माध्यम से ऐसा करने में सक्षम होना एक सम्मान की बात थी। खतरे के बावजूद भी सत्य के प्रति प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयास हमारे देश की पुलिस बॉल की सच्ची भावना को दर्शाते हैं। इस पुलिस एक्शन ड्रामा की कहानी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए बलिदानों पर गहराई से प्रकाश डालती है। दर्शकों को एक रोमांचक और मनोरंजक यात्रा पर ले जाने, अपने वास्तविक जीवन के नायकों का जश्न मनाने और उनका सम्मान करने के लिए उत्साहित हूँ। जय हिंद। भारतीय पुलिस बॉल का हिस्सा बनना मेरे लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव था। ये सिर्फ एक पुलिस श्रृंखला नहीं है, ये हमारे देश के गुमनाम नायकों, बहादुर पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल शुरू होने से ही एड्रेनलिन रश पैक करता है, जिससे दर्शक अपनी सीटों से चिपके रहते हैं। पहली महिला पुलिसकर्मी के रूप में पुलिस जगत में अपनी पहली वेब श्रृंखला के लिए रोहित शेट्टी के साथ सहयोग करना वास्तव में मेरे लिए एक बड़ा क्षण था। पुलिस परिवेश में उनकी दृष्टि और अनुभव से सेलुलाइट पर कानून प्रवर्तन और अधिकारियों के चित्रण में एक अद्वितीय तीव्रता जोड़ दी है। श्रृंखला में एक महिला पुलिसकर्मी होने के नाते एक्शन दृश्यों में शामिल होना सशक्त और उत्साहवर्धक दोनों था। मेरा किरदार एक मजबूत चरित्र है जो दर्शाता है कि ताकत और लचीलापन कोई लिंग नहीं जानता, और मुझे उस श्रृंखला का हिस्सा होने पर गर्व है जो हमारे भारतीय पुलिस बॉल की विविधता का जश्न मनाती है। भारतीय पुलिस बॉल शेट्टी के पुलिस बर्मान का स्ट्रीमिंग स्पिन ऑफ है, जिसमें सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, सूर्यवंशी, सिम्बा और आगामी सिंघम 3 जैसे नाटकीय हिट शामिल है। कॉप यूनिवर्स में सिद्धार्थ संग दिल्ली पुलिस की धमाकेदार एंट्री। रिलीज हुआ ट्रेलर। एक लंबे समय से फैंस सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के ट्रेलर के इंतजार में बैठे हुए थे। रोहित शेट्टी की डेब्यू सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा करते हुए नजर आने वाले हैं। खैर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय स्टारर इस वेब सीरीज को फैंस के बीच अभी OTT में आने के लिए थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन प्रशंसकों की बेकरारी को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों की तरह ही भरपूर एक्शन डाला है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी कॉप्स यूनिवर्स पर सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी और इस जैसी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज के माध्यम से दर्शकों के बीच पुलिस अधिकारियों की क्रिमिनल्स को पकड़ने की दिन रात मेहनत को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स का ये 3 मिनट का ट्रेलर काफी धमाकेदार है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के खेलने नहीं खेल खत्म करने और खून किसी का भी बहे आंसू माँ के निकलते हैं और दिल्ली का लौंडा जैसे दमदार डायलॉग्स आपका दिल जीत लेंगे। वही शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की जुगलबंदी देखने के बाद आप बस देखते ही रह जाएंगे। इंडियन पुलिस फोर्स में सिद्धार्थ, शिल्पा और विवेक ओबेरॉय का दमदार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों के जरिए अब तक महाराष्ट्र पुलिस को हीरो के रूप में पर्दे पर दर्शाया है, लेकिन ये पहली बार है जब वो दिल्ली पुलिस की कहानी को भी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने डेब्यू सीरीज में रोहित शेट्टी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उनकी फिल्मों के फ्लेवर यानी कि एक्शन और गाड़ी उड़ाना दर्शक वेब सीरीज में भी कहीं मिस न करे। रोहित शेट्टी और सुशांत प्रकाश के निर्देशन में बनी इस सीरीज के एक छोटे से ट्रेलर ने फैंस के बीच बेचैनी और भी बढ़ा दिया है।
शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबरॉय के अलावा इस वेब सीरीज में शरद तेलकर भी नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स 19 जनवरी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर आउट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय ने कमाल कर दिया। आखिरकार रोहित शेट्टी की धाकड़ फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो OTT पर धमाका करने के लिए तैयार नजर आ रही है। इस फिल्म से सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय OTT पर डेब्यू करने जा रहे हैं, और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि यकीनन वो तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में मसाला एक्शन ड्रामा सब कुछ है। 3 मिनट 2 सेकंड की इस ट्रेलर में वो सब कुछ नजर आ रहा है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधने का दम रखती है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है दिल्ली के पार्लियामेंट में हुए बम धमाके वाले सीन से, जहां आग का गोला नजर आ रहा है। यहां से शुरू होती है दिल्ली पुलिस की जंग और उसकी शुरुआत। इस ट्रेलर में देश की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक सुरक्षा वाली जगह पार्लियामेंट हाउस के पास दिखाए हमले ने सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस में हर काम मच जाता है। इस ट्रेलर की शुरुआत में कहा जा रहा है कि आज जो हुआ है हमला किसी मार्केट पर नहीं, हमारे हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ है। सांप हमारे से खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। आखिरकार दिल्ली पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस पर भी उंगलियां उठती है और फिर शुरू होती है अपराधियों के जड़ से दबोचने की जंग। ट्रेलर में शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा की सीनियर ऑफिसर के रोल में है और काफी दमदार नजर आई है। ट्रेलर के एक सीन में शिल्पा सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछताछ करते हुए बताती है कि उनके बारे में जो सुना है वो कुछ अच्छा नहीं। हालांकि सिद्धार्थ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि वो इस सिस्टम के सबसे शानदार सिपाही है। आखिरकार यही टीम दिल्ली पुलिस को भी धाकर टीम बना जाती है। वो बम धमाका करने वालों को ढूंढ निकालने में जी जान लगा देती है। जवाब पुलिस ऑफिसर्स की कहानियों पर सिम्बा, सिंघम और सूर्यवंशी जैसी शानदार एक्शन फिल्में बना चुके रोहित शेट्टी इस बार इंडियन पुलिस फोर्स की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जज्बे सिपाहियों की, जो अपराधियों और आतंकियों के जड़ों तक पहुंचने के लिए अपनी जान का बाजी लगा देते हैं। बता दें कि इस फिल्म का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर होने वाला है। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर हुआ रिलीज, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय खेल खत्म करने के लिए है तैयार। क्या रोहित शेट्टी की दुनिया से ज्यादा विस्फोटक और हाई ऑक्टेन कुछ है? इसकी अत्यधिक संभावना नहीं है, और उनकी पहली पुलिस एक्शन सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर इसी पर जोर देता है। कुछ भी हो, शेट्टी का कॉप यूनिवर्स इस बार और भी अधिक विस्तृत और रोमांचकारी होने वाला है, जिसमें पहले से कहीं अधिक संख्या में कारें हवा में उड़ती नजर आएगा। श्रृंखला का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर शुक्रवार को जारी किया गया, जो एक नाटकीय विस्फोट के साथ खुलता है, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी का संवाद होता है जिसमें कहा गया है कि ये घटना किसी बाजार पर हमला नहीं है बल्कि हमारे साहस और प्रतिबद्धता पर हमला है। साथ ही अधिकारियों को मामले को तेजी से सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना। सालों बाद उन्हें काकरोच कहने के बाद कंगना रनौत का कहना है कि विक्रांत मेसी इरफान खान द्वारा छोड़े गए शून्य को भर सकते हैं। हम खेल नहीं खेलते, दिल्ली पुलिस ने खेल खत्म कर दिया है, SP कबीर मलिक IPS कहते हैं, जिसकी गूंज यस सर से गूंजती है। उनके मतहतों की आवाज पूरे पुलिस मुख्यालय में गूंजती रहती है। उच्च प्रेरणा के बावजूद कबीर, अंजलि शेट्टी और विक्रम बख्शी की टीम दोषियों की पहचान करने के लिए संघर्ष करती है, जिससे दिल्ली पुलिस के सामने चुनौतियां बढ़ जाती है। इस बीच टीम के सदस्यों के बीच टकराव पैदा हो जाता है, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। लेकिन चिंता ना करें, दृढ़ निश्चयी पुलिसकर्मी झुकने से इनकार करते हैं और चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। रोहित शेट्टी द्वारा निर्मित पुलिस एक्शन ड्रामा सीरीज में श्वेता तिवारी, निकितिन धीर,
ऋतुराज सिंह, मुकेश ऋषि और ललित परिमुख भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। भारतीय पुलिस बॉल 19 जनवरी 2024 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। स्ट्रीमिंग दिग्गज के एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये श्रृंखला भारतीय पुलिस अधिकारियों की निस्वार्थ सेवा, अटूट प्रतिबद्धता और उग्र देशभक्ति को हार्दिक श्रद्धांजलि देती है, जिन्होंने राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए अपने कर्तव्य के आह्वान पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस शो में 7 एपिसोड शामिल है। ट्रेलर लॉन्च के दिन अपने विचार साझा करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल में खाकी वर्दी पहनने पर गर्व है। ये उस्ताद रोहित शेट्टी के साथ पुलिस जगत का अगला अध्याय है। हमारे बहादुर डीलों को चित्रित करना हमेशा एक बड़ी जिम्मेदारी है और कबीर मलिक के चरित्र के माध्यम से ऐसा करने में सक्षम होना एक सम्मान की बात थी। खतरे के बावजूद भी सत्य के प्रति प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयास हमारे देश की पुलिस बॉल की सच्ची भावना को दर्शाते हैं। इस पुलिस एक्शन ड्रामा की कहानी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए बलिदानों पर गहराई से प्रकाश डालती है। दर्शकों को एक रोमांचक और मनोरंजक यात्रा पर ले जाने, अपने वास्तविक जीवन के नायकों का जश्न मनाने और उनका सम्मान करने के लिए उत्साहित हो। जय हिंद। भारतीय पुलिस बॉल का हिस्सा बनना मेरे लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव था। ये सिर्फ एक पुलिस श्रृंखला नहीं है, ये हमारे देश के गुमनाम नायकों, बहादुर पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल शुरू होने से ही एड्रेनलिन रश पैक करता है, जिससे दर्शक अपनी सीटों से चिपके रहते हैं। पहली महिला पुलिस कर्मी के रूप में पुलिस जगत में अपनी पहली वेब श्रृंखला के लिए रोहित शेट्टी के साथ सहयोग करना वास्तव में मेरे लिए एक बड़ा क्षण था। पुलिस परिवेश में उनकी दृष्टि और अनुभव से सेलुलाइट पर कानून प्रवर्तन और अधिकारियों के चित्रण में एक अद्वितीय तीव्रता जोड़ दी है। श्रृंखला में एक महिला पुलिस कर्मी होने के नाते एक्शन दृश्यों में शामिल होना सशक्त और उत्साह वर्धक दोनों था। मेरा किरदार एक मजबूत चरित्र है जो दर्शाता है कि ताकत और लचीलापन कोई लिंग नहीं जानता, और मुझे उस श्रृंखला का हिस्सा होने पर गर्व है जो हमारे भारतीय पुलिस बॉल की विविधता का जश्न मनाती है। भारतीय पुलिस बॉल शेट्टी के पुलिस बरमान का स्ट्रीमिंग स्पिन ऑफ है, जिसमें सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, सूर्यवंशी, सिम्बा और आगामी सिंघम 3 जैसे नाटकीय हिट शामिल है। कॉप यूनिवर्स में सिद्धार्थ संग दिल्ली पुलिस की धमाकेदार एंट्री। रिलीज हुआ ट्रेलर। एक लंबे समय से फैंस सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के ट्रेलर के इंतजार में बैठे हुए थे। रोहित शेट्टी की डेब्यू सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा करते हुए नजर आने वाले हैं। खैर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय स्टारर इस वेब सीरीज को फैंस के बीच अभी ओटीटी में आने के लिए थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन प्रशंसकों की बेकरारी को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों की तरह ही भरपूर एक्शन डाला है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी कॉप्स यूनिवर्स पर सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी और इस जैसी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीरीज के माध्यम से दर्शकों के बीच पुलिस अधिकारियों की क्रिमिनल्स को पकड़ने की दिन रात मेहनत को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स का ये 3 मिनट का ट्रेलर काफी धमाकेदार है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के खेलने नहीं खेल खत्म करने और खून किसी का भी बहे आंसू माँ के निकलते हैं और दिल्ली का लौंडा जैसे दमदार डायलॉग्स आपका दिल जीत लेंगे। वहीं शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की जुगलबंदी देखने के बाद आप बस देखते ही रह जाएंगे। इंडियन पुलिस फोर्स में सिद्धार्थ, शिल्पा और विवेक ओबरॉय का दमदार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों के जरिए अब तक महाराष्ट्र पुलिस को हीरो के रूप में पर्दे पर दर्शाया है, लेकिन ये पहली बार है जब वो दिल्ली पुलिस की कहानी को भी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने डेब्यू सीरीज में रोहित शेट्टी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उनकी फिल्मों के फ्लेवर यानी कि एक्शन और गाड़ी उड़ाना दर्शक वेब सीरीज में भी कहीं मिस न करे। रोहित शेट्टी और सुशांत प्रकाश के निर्देशन में बनी इस सीरीज के एक छोटे से ट्रेलर ने फैंस के बीच बेचैनी और भी बढ़ा दिया है।
शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबरॉय के अलावा इस वेब सीरीज में शरथ केलकर भी नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स 19 जनवरी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर आउट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय ने कमाल कर दिया। आखिरकार रोहित शेट्टी की धाकड़ फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो OTT पर धमाका करने के लिए तैयार नजर आ रही है। इस फिल्म से सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय OTT पर डेब्यू करने जा रहे हैं, और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि यकीनन वो तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में मसाला एक्शन ड्रामा सब कुछ है। 3 मिनट 2 सेकंड की इस ट्रेलर में वो सब कुछ नजर आ रहा है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधने का दम रखती है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है दिल्ली के पार्लियामेंट में हुए बम धमाके वाले सीन से, जहां आग का गोला नजर आ रहा है। यहां से शुरू होती है दिल्ली पुलिस की जंग और उसकी शुरुआत। इस ट्रेलर में देश की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक सुरक्षा वाली जगह पार्लियामेंट हाउस के पास दिखाए हमले ने सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस में हर कांप मच जाता है। इस ट्रेलर की शुरुआत में कहा जा रहा है कि आज जो हुआ है हमला किसी मार्केट पर नहीं, हमारी हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ है। सांप हमारे से खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। आखिरकार दिल्ली पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस पर भी उंगलियां उठती है और फिर शुरू होती है अपराधियों के जड़ से दबोचने की जंग। ट्रेलर में शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा की सीनियर ऑफिसर के रोल में है और काफी दमदार नजर आई है। ट्रेलर के एक सीन में शिल्पा सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछताछ करते हुए बताती है कि उनके बारे में जो सुना है वो कुछ अच्छा नहीं। हालांकि सिद्धार्थ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि वो इस सिस्टम के सबसे शानदार सिपाही है। आखिरकार यही टीम दिल्ली पुलिस को भी धाकड़ टीम बना जाती है। वो बम धमाका करने वालों को ढूंढ निकालने में जी जान लगा देती है। जवाब पुलिस ऑफिसर्स की कहानियों पर सिम्बा, सिंघम और सूर्यवंशी जैसी शानदार एक्शन फिल्में बना चुके रोहित शेट्टी इस बार इंडियन पुलिस फोर्स की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जज्बे सिपाहियों की, जो अपराधियों और आतंकियों के जड़ों तक पहुंचने के लिए अपनी जान का बाजी लगा देते हैं। बता दें कि इस फिल्म का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर होने वाला है। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर हुआ रिलीज। सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय खेल खत्म करने के लिए है तैयार। क्या रोहित शेट्टी की दुनिया से ज्यादा विस्फोटक और हाई ऑक्टेन कुछ है? इसकी अत्यधिक संभावना नहीं है, और उनकी पहली पुलिस एक्शन सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर इसी पर जोर देता है। कुछ भी हो, शेट्टी का कॉप यूनिवर्स इस बार और भी अधिक विस्तृत और रोमांचकारी होने वाला है, जिसमें पहले से कहीं अधिक संख्या में कारें हवा में उड़ती नजर आएगा। श्रृंखला का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर शुक्रवार को जारी किया गया, जो एक नाटकीय विस्फोट के साथ खुलता है, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी का संवाद होता है जिसमें कहा गया है कि ये घटना किसी बाजार पर हमला नहीं है बल्कि हमारे साहस और प्रतिबद्धता पर हमला है। साथ ही अधिकारियों को मामले को तेजी से सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना। सालों बाद उन्हें काकरोच कहने के बाद कंगना रनौत का कहना है कि विक्रांत मेसी इरफान खान द्वारा छोड़े गए शून्य को भर सकते हैं। हम खेल नहीं खेलते, दिल्ली पुलिस ने खेल खत्म कर दिया है, SP कबीर मलिक IPS कहते हैं, जिसकी गूंज यस सर से गूंजती है। उनके मत हतों की आवाज पूरे पुलिस मुख्यालय में गूंजती रहती है। उच्च प्रेरणा के बावजूद कबीर, अंजलि शेट्टी और विक्रम बख्शी की टीम दोषियों की पहचान करने के लिए संघर्ष करती है, जिससे दिल्ली पुलिस के सामने चुनौतियां बढ़ जाती है। इस बीच टीम के सदस्यों के बीच टकराव पैदा हो जाता है, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। लेकिन चिंता ना करें, दृढ़ निश्चयी पुलिसकर्मी झुकने से इनकार करते हैं और चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। रोहित शेट्टी द्वारा निर्मित पुलिस एक्शन ड्रामा सीरीज में श्वेता तिवारी, निकितिन धीर,
ऋतुराज सिंह, मुकेश ऋषि और ललित परिमुख भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। भारतीय पुलिस बॉल 19 जनवरी 2024 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। स्ट्रीमिंग दिग्गज के एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये श्रृंखला भारतीय पुलिस अधिकारियों की निस्वार्थ सेवा, अटूट प्रतिबद्धता और उग्र देशभक्ति को हार्दिक श्रद्धांजलि देती है, जिन्होंने राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए अपने कर्तव्य के आह्वान पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस शो में 7 एपिसोड शामिल है। ट्रेलर लॉन्च के दिन अपने विचार साझा करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल में खाकी वर्दी पहनने पर गर्व है। ये उस्ताद रोहित शेट्टी के साथ पुलिस जगत का अगला अध्याय है। हमारे बहादुर ढिल्लों को चित्रित करना हमेशा एक बड़ी जिम्मेदारी है और कबीर मलिक के चरित्र के माध्यम से ऐसा करने में सक्षम होना एक सम्मान की बात थी। खतरे के बावजूद भी सत्य के प्रति प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयास हमारे देश के पुलिस बल की सच्ची भावना को दर्शाते हैं। इस पुलिस एक्शन ड्रामा की कहानी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए बलिदानों पर गहराई से प्रकाश डालती है। दर्शकों को एक रोमांचक और मनोरंजक यात्रा पर ले जाने, अपने वास्तविक जीवन के नायकों का जश्न मनाने और उनका सम्मान करने के लिए उत्साहित हूँ। जय हिंद। भारतीय पुलिस बॉल का हिस्सा बनना मेरे लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव था। ये सिर्फ एक पुलिस श्रृंखला नहीं है, ये हमारे देश के गुमनाम नायकों, बहादुर पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल शुरू होने से ही एड्रेनलिन रश पैक करता है, जिससे दर्शक अपनी सीटों से चिपके रहते हैं। पहली महिला पुलिस कर्मी के रूप में पुलिस जगत में अपनी पहली वेब श्रृंखला के लिए रोहित शेट्टी के साथ सहयोग करना वास्तव में मेरे लिए एक बड़ा क्षण था। पुलिस परिवेश में उनकी दृष्टि और अनुभव से सेलुलाइट पर कानून प्रवर्तन अधिकारियों के चित्रण में एक अद्वितीय तीव्रता जोड़ दी है। श्रृंखला में एक महिला पुलिस कर्मी होने के नाते एक्शन दृश्यों में शामिल होना सशक्त और उत्साह वर्धक दोनों था। मेरा किरदार एक मजबूत चरित्र है जो दर्शाता है कि ताकत और लचीलापन कोई लिंग नहीं जानता, और मुझे उस श्रृंखला का हिस्सा होने पर गर्व है जो हमारे भारतीय पुलिस बॉल की विविधता का जश्न मनाती है। भारतीय पुलिस बॉल शेट्टी के पुलिस बलवान का स्ट्रीमिंग स्पिन ऑफ है, जिसमें सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, सूर्यवंशी, सिम्बा और आगामी सिंघम 3 जैसे नाटकीय हिट शामिल है। कॉप यूनिवर्स में सिद्धार्थ संग दिल्ली पुलिस की धमाकेदार एंट्री। रिलीज हुआ ट्रेलर। एक लंबे समय से फैंस सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के ट्रेलर के इंतजार में बैठे हुए थे। रोहित शेट्टी की डेब्यू सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा करते हुए नजर आने वाले हैं। खैर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय स्टारर इस वेब सीरीज को फैंस के बीच अभी OTT में आने के लिए थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन प्रशंसकों की बेकरारी को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों की तरह ही भरपूर एक्शन डाला है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी कॉप्स यूनिवर्स पर सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी और इस जैसी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज के माध्यम से दर्शकों के बीच पुलिस अधिकारियों की क्रिमिनल्स को पकड़ने की दिन रात मेहनत को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स का ये 3 मिनट का ट्रेलर काफी धमाकेदार है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के खेलने नहीं खेल खत्म करने और खून किसी का भी बहे आंसू माँ के निकलते हैं और दिल्ली का लौंडा जैसे दमदार डायलॉग्स आपका दिल जीत लेंगे। वही शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की जुगलबंदी देखने के बाद आप बस देखते ही रह जाएंगे। इंडियन पुलिस फोर्स में सिद्धार्थ, शिल्पा और विवेक ओबरॉय का दमदार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों के जरिए अब तक महाराष्ट्र पुलिस को हीरो के रूप में पर्दे पर दर्शाया है, लेकिन ये पहली बार है जब वो दिल्ली पुलिस की कहानी को भी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने डेब्यू सीरीज में रोहित शेट्टी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उनकी फिल्मों के फ्लेवर यानी कि एक्शन और गाड़ी उड़ाना दर्शक वेब सीरीज में भी कहीं मिस न करे। रोहित शेट्टी और सुशांत प्रकाश के निर्देशन में बनी इस सीरीज के एक छोटे से ट्रेलर ने फैंस के बीच बेचैनी और भी बढ़ा दिया है।
शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबरॉय के अलावा इस वेब सीरीज में शरद तेलकर भी नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स 19 जनवरी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर आउट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय ने कमाल कर दिया। आखिरकार रोहित शेट्टी की धाकड़ फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो OTT पर धमाका करने के लिए तैयार नजर आ रही है। इस फिल्म से सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय OTT पर डेब्यू करने जा रहे हैं, और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि यकीनन वो तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में मसाला एक्शन ड्रामा सब कुछ है। 3 मिनट 2 सेकंड की इस ट्रेलर में वो सब कुछ नजर आ रहा है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधने का दम रखती है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है दिल्ली के पार्लियामेंट में हुए बम धमाके वाले सीन से, जहां आग का गोला नजर आ रहा है। यहां से शुरू होती है दिल्ली पुलिस की जंग और उसकी शुरुआत। इस ट्रेलर में देश की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक सुरक्षा वाली जगह पार्लियामेंट हाउस के पास दिखाए हमले ने सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस में हर काम मच जाता है। इस ट्रेलर की शुरुआत में कहा जा रहा है कि आज जो हुआ है हमला किसी मार्केट पर नहीं, हमारी हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ है। सांप हमारे से खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। आखिरकार दिल्ली पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस पर भी उंगलियां उठती है और फिर शुरू होती है अपराधियों के जड़ से दबोचने की जंग। ट्रेलर में शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा की सीनियर ऑफिसर के रोल में है और काफी दमदार नजर आई है। ट्रेलर के एक सीन में शिल्पा सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछताछ करते हुए बताती है कि उनके बारे में जो सुना है वो कुछ अच्छा नहीं। हालांकि सिद्धार्थ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि वो इस सिस्टम के सबसे शानदार सिपाही है। आखिरकार यही टीम दिल्ली पुलिस को भी धाकर टीम बना जाती है। वो बम धमाका करने वालों को ढूंढ निकालने में जी जान लगा देती है। जवाब पुलिस ऑफिसर्स की कहानियों पर सिम्बा सिंघम और सूर्यवंशी जैसी शानदार एक्शन फिल्में बना चुके रोहित शेट्टी इस बार इंडियन पुलिस फोर्स की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जज्बे सिपाहियों की, जो अपराधियों और आतंकियों के जड़ों तक पहुंचने के लिए अपनी जान का बाजी लगा देते हैं। बता दें कि इस फिल्म का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर होने वाला है। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर हुआ रिलीज। सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय खेल खत्म करने के लिए है तैयार। क्या रोहित शेट्टी की दुनिया से ज्यादा विस्फोटक और हाई ऑक्टेन कुछ है? इसकी अत्यधिक संभावना नहीं है, और उनकी पहली पुलिस एक्शन सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर इसी पर जोर देता है। कुछ भी हो, शेट्टी का कॉप यूनिवर्स इस बार और भी अधिक विस्तृत और रोमांचकारी होने वाला है, जिसमें पहले से कहीं अधिक संख्या में कारें हवा में उड़ती नजर आएगा। श्रृंखला का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर शुक्रवार को जारी किया गया, जो एक नाटकीय विस्फोट के साथ खुलता है, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी का संवाद होता है जिसमें कहा गया है कि ये घटना किसी बाजार पर हमला नहीं है बल्कि हमारे साहस और प्रतिबद्धता पर हमला है। साथ ही अधिकारियों को मामले को तेजी से सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना। सालों बाद उन्हें काकरोच कहने के बाद कंगना रनौत का कहना है कि विक्रांत मेसी इरफान खान द्वारा छोड़े गए शून्य को भर सकते हैं। हम खेल नहीं खेलते, दिल्ली पुलिस ने खेल खत्म कर दिया है, SP कबीर मलिक IPS कहते हैं, जिसकी गूंज यस सर से गूंजती है। उनके मतहतों की आवाज पूरे पुलिस मुख्यालय में गूंजती रहती है। उच्च प्रेरणा के बावजूद कबीर, अंजलि शेट्टी और विक्रम बख्शी की टीम दोषियों की पहचान करने के लिए संघर्ष करती है, जिससे दिल्ली पुलिस के सामने चुनौतियां बढ़ जाती है। इस बीच टीम के सदस्यों के बीच टकराव पैदा हो जाता है, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। लेकिन चिंता ना करें, दृढ़ निश्चयी पुलिसकर्मी झुकने से इनकार करते हैं और चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। रोहित शेट्टी द्वारा निर्मित पुलिस एक्शन ड्रामा सीरीज में श्वेता तिवारी, निकितिन धीर,
ऋतुराज सिंह, मुकेश ऋषि और ललित परिमुख भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। भारतीय पुलिस बॉल 19 जनवरी 2024 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। स्ट्रीमिंग दिग्गज के एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये श्रृंखला भारतीय पुलिस अधिकारियों की निस्वार्थ सेवा, अटूट प्रतिबद्धता और उग्र देशभक्ति को हार्दिक श्रद्धांजलि देती है, जिन्होंने राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए अपने कर्तव्य के आह्वान पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस शो में 7 एपिसोड शामिल है। ट्रेलर लॉन्च के दिन अपने विचार साझा करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल में खाकी वर्दी पहनने पर गर्व है। ये उस्ताद रोहित शेट्टी के साथ पुलिस जगत का अगला अध्याय है। हमारे बहादुर ढिल्लों को चित्रित करना हमेशा एक बड़ी जिम्मेदारी है और कबीर मलिक के चरित्र के माध्यम से ऐसा करने में सक्षम होना एक सम्मान की बात थी। खतरे के बावजूद भी सत्य के प्रति प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयास हमारे देश के पुलिस बॉल की सच्ची भावना को दर्शाते हैं। इस पुलिस एक्शन ड्रामा की कहानी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए बलिदानों पर गहराई से प्रकाश डालती है। दर्शकों को एक रोमांचक और मनोरंजक यात्रा पर ले जाने, अपने वास्तविक जीवन के नायकों का जश्न मनाने और उनका सम्मान करने के लिए उत्साहित हो। जय हिंद। भारतीय पुलिस बॉल का हिस्सा बनना मेरे लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव था। ये सिर्फ एक पुलिस श्रृंखला नहीं है, ये हमारे देश के गुमनाम नायकों, बहादुर पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल शुरू होने से ही एड्रेनलिन रश पैक करता है, जिससे दर्शक अपनी सीटों से चिपके रहते हैं। पहली महिला पुलिस कर्मी के रूप में पुलिस जगत में अपनी पहली वेब श्रृंखला के लिए रोहित शेट्टी के साथ सहयोग करना वास्तव में मेरे लिए एक बड़ा क्षण था। पुलिस परिवेश में उनकी दृष्टि और अनुभव से सेलुलाइट पर कानून प्रवर्तन और अधिकारियों के चित्रण में एक अद्वितीय तीव्रता जोड़ दी है। श्रृंखला में एक महिला पुलिस कर्मी होने के नाते एक्शन दृश्यों में शामिल होना सशक्त और उत्साह वर्धक दोनों था। मेरा किरदार एक मजबूत चरित्र है जो दर्शाता है कि ताकत और लचीलापन कोई लिंग नहीं जानता, और मुझे उस श्रृंखला का हिस्सा होने पर गर्व है जो हमारे भारतीय पुलिस बॉल की विविधता का जश्न मनाती है। भारतीय पुलिस बॉल शेट्टी के पुलिस बरमान का स्ट्रीमिंग स्पिन ऑफ है, जिसमें सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, सूर्यवंशी, सिम्बा और आगामी सिंघम 3 जैसे नाटकीय हिट शामिल है। कॉप यूनिवर्स में सिद्धार्थ संग दिल्ली पुलिस की धमाकेदार एंट्री, रिलीज हुआ ट्रेलर। एक लंबे समय से फैंस सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के ट्रेलर के इंतजार में बैठे हुए थे। रोहित शेट्टी की डेब्यू सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा करते हुए नजर आने वाले हैं। खैर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय स्टारर इस वेब सीरीज को फैंस के बीच अभी OTT में आने के लिए थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन प्रशंसकों की बेकरारी को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों की तरह ही भरपूर एक्शन डाला है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी कॉप्स यूनिवर्स पर संघम, सिम्बा, सूर्यवंशी और इस जैसी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज के माध्यम से दर्शकों के बीच पुलिस अधिकारियों की क्रिमिनल्स को पकड़ने की दिन रात मेहनत को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स का ये 3 मिनट का ट्रेलर काफी धमाकेदार है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के खेलने नहीं खेल खत्म करने और खून किसी का भी बहे आंसू माँ के निकलते हैं और दिल्ली का लौंडा जैसे दमदार डायलॉग्स आपका दिल जीत लेंगे। वही शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की जुगलबंदी देखने के बाद आप बस देखते ही रह जाएंगे। इंडियन पुलिस फोर्स में सिद्धार्थ, शिल्पा और विवेक ओबेरॉय का दमदार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों के जरिए अब तक महाराष्ट्र पुलिस को हीरो के रूप में पर्दे पर दर्शाया है, लेकिन ये पहली बार है जब वो दिल्ली पुलिस की कहानी को भी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने डेब्यू सीरीज में रोहित शेट्टी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उनकी फिल्मों के फ्लेवर यानी कि एक्शन और गाड़ी उड़ाना दर्शक वेब सीरीज में भी कहीं मिस न करे। रोहित शेट्टी और सुशांत प्रकाश के निर्देशन में बनी इस सीरीज के एक छोटे से ट्रेलर ने फैंस के बीच बेचैनी और भी बढ़ा दिया है।
शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबरॉय के अलावा इस वेब सीरीज में शरद केलकर भी नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स 19 जनवरी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर आउट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय ने कमाल कर दिया। आखिरकार रोहित शेट्टी की धाकड़ फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो ओटीटी पर धमाका करने के लिए तैयार नजर आ रही है। इस फिल्म से सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय ओटीटी पर डेब्यू करने जा रहे हैं, और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि यकीनन वो तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में मसाला एक्शन ड्रामा सब कुछ है। 3 मिनट 2 सेकंड की इस ट्रेलर में वो सब कुछ नजर आ रहा है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधने का दम रखती है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है दिल्ली के पार्लियामेंट में हुए बम धमाके वाले सीन से, जहां आग का गोला नजर आ रहा है। यहां से शुरू होती है दिल्ली पुलिस की जंग और उसकी शुरुआत। इस ट्रेलर में देश की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक सुरक्षा वाली जगह पार्लियामेंट हाउस के पास दिखाए हमले ने सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस में हर कांप मच जाता है। इस ट्रेलर की शुरुआत में कहा जा रहा है कि आज जो हुआ है हमला किसी मार्केट पर नहीं, हमारी हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ है। सांप हमारे से खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। आखिरकार दिल्ली पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस पर भी उंगलियां उठती है और फिर शुरू होती है अपराधियों के जड़ से दबोचने की जंग। ट्रेलर में शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा की सीनियर ऑफिसर के रोल में है और काफी दमदार नजर आई है। ट्रेलर के एक सीन में शिल्पा सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछताछ करते हुए बताती है कि उनके बारे में जो सुना है वो कुछ अच्छा नहीं। हालांकि सिद्धार्थ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि वो इस सिस्टम के सबसे शानदार सिपाही है। आखिरकार यही टीम दिल्ली पुलिस को भी धाकर टीम बना जाती है। वो बम धमाका करने वालों को ढूंढ निकालने में जी जान लगा देती है। जवाब पुलिस ऑफिसर्स की कहानियों पर सिम्बा, सिंघम और सूर्यवंशी जैसी शानदार एक्शन फिल्में बना चुके रोहित शेट्टी इस बार इंडियन पुलिस फोर्स की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जज्बे सिपाहियों की, जो अपराधियों और आतंकियों के जड़ों तक पहुंचने के लिए अपनी जान का बाजी लगा देते हैं। बता दें कि इस फिल्म का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर होने वाला है। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर हुआ रिलीज। सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय खेल खत्म करने के लिए है तैयार। क्या रोहित शेट्टी की दुनिया से ज्यादा विस्फोटक और हाई ऑक्टेन कुछ है? इसकी अत्यधिक संभावना नहीं है, और उनकी पहली पुलिस एक्शन सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर इसी पर जोर देता है। कुछ भी हो, शेट्टी का कॉप यूनिवर्स इस बार और भी अधिक विस्तृत और रोमांचकारी होने वाला है, जिसमें पहले से कहीं अधिक संख्या में कारें हवा में उड़ती नजर आएगा। श्रृंखला का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर शुक्रवार को जारी किया गया, जो एक नाटकीय विस्फोट के साथ खुलता है, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी का संवाद होता है जिसमें कहा गया है कि ये घटना किसी बाजार पर हमला नहीं है बल्कि हमारे साहस और प्रतिबद्धता पर हमला है। साथ ही अधिकारियों को मामले को तेजी से सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना। सालों बाद उन्हें काकरोच कहने के बाद कंगना रनौत का कहना है कि विक्रांत मेसी इरफान खान द्वारा छोड़े गए शून्य को भर सकते हैं। हम खेल नहीं खेलते, दिल्ली पुलिस ने खेल खत्म कर दिया है, एसपी कबीर मलिक आईपीएस कहते हैं, जिसकी गूंज यस सर से गूंजती है। उनके मत हतों की आवाज पूरे पुलिस मुख्यालय में गूंजती रहती है। उच्च प्रेरणा के बावजूद कबीर, अंजलि शेट्टी और विक्रम बख्शी की टीम दोषियों की पहचान करने के लिए संघर्ष करती है, जिससे दिल्ली पुलिस के सामने चुनौतियां बढ़ जाती है। इस बीच टीम के सदस्यों के बीच टकराव पैदा हो जाता है, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। लेकिन चिंता ना करें, दृढ़ निश्चयी पुलिसकर्मी झुकने से इनकार करते हैं और चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। रोहित शेट्टी द्वारा निर्मित पुलिस एक्शन ड्रामा सीरीज में श्वेता तिवारी, निकितिन धीर,
ऋतुराज सिंह, मुकेश ऋषि और ललित परिमुख भी प्रमुख भूमिकाओं में है। भारतीय पुलिस बॉल 19 जनवरी 2024 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। स्ट्रीमिंग दिग्गज के एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये श्रृंखला भारतीय पुलिस अधिकारियों की निस्वार्थ सेवा, अटूट प्रतिबद्धता और उग्र देशभक्ति को हार्दिक श्रद्धांजलि देती है, जिन्होंने राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए अपने कर्तव्य के आह्वान पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस शो में 7 एपिसोड शामिल है। ट्रेलर लॉन्च के दिन अपने विचार साझा करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल में खाकी वर्दी पहनने पर गर्व है। ये उस्ताद रोहित शेट्टी के साथ पुलिस जगत का अगला अध्याय है। हमारे बहादुर ढिल्लों को चित्रित करना हमेशा एक बड़ी जिम्मेदारी है और कबीर मलिक के चरित्र के माध्यम से ऐसा करने में सक्षम होना एक सम्मान की बात थी। खतरे के बावजूद भी सत्य के प्रति प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयास हमारे देश के पुलिस बल की सच्ची भावना को दर्शाते हैं। इस पुलिस एक्शन ड्रामा की कहानी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए बलिदानों पर गहराई से प्रकाश डालती है। दर्शकों को एक रोमांचक और मनोरंजक यात्रा पर ले जाने, अपने वास्तविक जीवन के नायकों का जश्न मनाने और उनका सम्मान करने के लिए उत्साहित हूँ। जय हिंद। भारतीय पुलिस बॉल का हिस्सा बनना मेरे लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव था। ये सिर्फ एक पुलिस श्रृंखला नहीं है, ये हमारे देश के गुमनाम नायकों, बहादुर पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल शुरू होने से ही एड्रेनलिन रश पैक करता है, जिससे दर्शक अपनी सीटों से चिपके रहते हैं। पहली महिला पुलिस कर्मी के रूप में पुलिस जगत में अपनी पहली वेब श्रृंखला के लिए रोहित शेट्टी के साथ सहयोग करना वास्तव में मेरे लिए एक बड़ा क्षण था। पुलिस परिवेश में उनकी दृष्टि और अनुभव से सेलुलाइट पर कानून प्रवर्तन और अधिकारियों के चित्रण में एक अद्वितीय तीव्रता जोड़ दी है। श्रृंखला में एक महिला पुलिस कर्मी होने के नाते एक्शन दृश्यों में शामिल होना सशक्त और उत्साह वर्धक दोनों था। मेरा किरदार एक मजबूत चरित्र है जो दर्शाता है कि ताकत और लचीलापन कोई लिंग नहीं जानता, और मुझे उस श्रृंखला का हिस्सा होने पर गर्व है जो हमारे भारतीय पुलिस बॉल की विविधता का जश्न मनाती है। भारतीय पुलिस बॉल शेट्टी के पुलिस बर्मान का स्ट्रीमिंग स्पिन ऑफ है, जिसमें सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, सूर्यवंशी, सिम्बा और आगामी सिंघम 3 जैसे नाटकीय हिट शामिल है। कॉप यूनिवर्स में सिद्धार्थ संग दिल्ली पुलिस की धमाकेदार एंट्री। रिलीज हुआ ट्रेलर। एक लंबे समय से फैंस सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के ट्रेलर के इंतजार में बैठे हुए थे। रोहित शेट्टी की डेब्यू सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा करते हुए नजर आने वाले हैं। खैर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय स्टारर इस वेब सीरीज को फैंस के बीच अभी OTT में आने के लिए थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन प्रशंसकों की बेकरारी को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों की तरह ही भरपूर एक्शन डाला है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी कॉप्स यूनिवर्स पर सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी और इस जैसी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज के माध्यम से दर्शकों के बीच पुलिस अधिकारियों की क्रिमिनल्स को पकड़ने की दिन रात मेहनत को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स का ये 3 मिनट का ट्रेलर काफी धमाकेदार है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के खेलने नहीं खेल खत्म करने और खून किसी का भी बहे आंसू माँ के निकलते हैं और दिल्ली का लौंडा जैसे दमदार डायलॉग्स आपका दिल जीत लेंगे। वहीं शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की जुगलबंदी देखने के बाद आप बस देखते ही रह जाएंगे। इंडियन पुलिस फोर्स में सिद्धार्थ, शिल्पा और विवेक ओबरॉय का दमदार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों के जरिए अब तक महाराष्ट्र पुलिस को हीरो के रूप में पर्दे पर दर्शाया है, लेकिन ये पहली बार है जब वो दिल्ली पुलिस की कहानी को भी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने डेब्यू सीरीज में रोहित शेट्टी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उनकी फिल्मों के फ्लेवर यानी कि एक्शन और गाड़ी उड़ाना दर्शक वेब सीरीज में भी कहीं मिस न करे। रोहित शेट्टी और सुशांत प्रकाश के निर्देशन में बनी इस सीरीज के एक छोटे से ट्रेलर ने फैंस के बीच बेचैनी और भी बढ़ा दिया है।
शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबेरॉय के अलावा इस वेब सीरीज में शरद तेलकार भी नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स 19 जनवरी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर आउट। सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय ने कमाल कर दिया। आखिरकार रोहित शेट्टी की धाकड़ फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो OTT पर धमाका करने के लिए तैयार नजर आ रही है। इस फिल्म से सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय OTT पर डेब्यू करने जा रहे हैं। और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि यकीनन वो तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में मसाला एक्शन ड्रामा सब कुछ है। 3 मिनट 2 सेकंड की इस ट्रेलर में वो सब कुछ नजर आ रहा है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधने का दम रखती है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है दिल्ली के पार्लियामेंट में हुए बम धमाके वाले सीन से, जहां आग का गोला नजर आ रहा है। यहां से शुरू होती है दिल्ली पुलिस की जंग और उसकी शुरुआत। इस ट्रेलर में देश की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक सुरक्षा वाली जगह पार्लियामेंट हाउस के पास दिखाए हमले ने सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस में हर काम मच जाता है। इस ट्रेलर की शुरुआत में कहा जा रहा है कि आज जो हुआ है हमला किसी मार्केट पर नहीं, हमारी हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ है। सांप हमारे से खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। आखिरकार दिल्ली पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस पर भी उंगलियां उठती है और फिर शुरू होती है अपराधियों के जड़ से दबोचने की जंग। ट्रेलर में शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा की सीनियर ऑफिसर के रोल में है और काफी दमदार नजर आई है। ट्रेलर के एक सीन में शिल्पा सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछताछ करते हुए बताती है कि उनके बारे में जो सुना है वो कुछ अच्छा नहीं। हालांकि सिद्धार्थ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि वो इस सिस्टम के सबसे शानदार सिपाही है। आखिरकार यही टीम दिल्ली पुलिस को भी धाकड़ टीम बना जाती है। वो बम धमाका करने वालों को ढूंढ निकालने में जी जान लगा देती है। जवाब पुलिस ऑफिसर्स की कहानियों पर सिम्बा सिंघम और सूर्यवंशी जैसी शानदार एक्शन फिल्में बना चुके रोहित शेट्टी इस बार इंडियन पुलिस फोर्स की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जज्बे सिपाहियों की, जो अपराधियों और आतंकियों के जड़ों तक पहुंचने के लिए अपनी जान का बाजी लगा देते हैं। बता दें कि इस फिल्म का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर होने वाला है। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर हुआ रिलीज। सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय खेल खत्म करने के लिए है तैयार। क्या रोहित शेट्टी की दुनिया से ज्यादा विस्फोटक और हाई ऑक्टेन कुछ है? इसकी अत्यधिक संभावना नहीं है और उनकी पहली पुलिस एक्शन सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर इसी पर जोर देता है। कुछ भी हो, शेट्टी का कॉप यूनिवर्स इस बार और भी अधिक विस्तृत और रोमांचकारी होने वाला है, जिसमें पहले से कहीं अधिक संख्या में कारें हवा में उड़ती नजर आएगा। श्रृंखला का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर शुक्रवार को जारी किया गया, जो एक नाटकीय विस्फोट के साथ खुलता है, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी का संवाद होता है जिसमें कहा गया है कि ये घटना किसी बाजार पर हमला नहीं है बल्कि हमारे साहस और प्रतिबद्धता पर हमला है। साथ ही अधिकारियों को मामले को तेजी से सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना। सालों बाद उन्हें काकरोच कहने के बाद कंगना रनौत का कहना है कि विक्रांत मेसी इरफान खान द्वारा छोड़े गए शून्य को भर सकते हैं। हम खेल नहीं खेलते, दिल्ली पुलिस ने खेल खत्म कर दिया है, SP कबीर मलिक IPS कहते हैं, जिसकी गूंज यस सर से गूंजती है। उनके मत हतों की आवाज पूरे पुलिस मुख्यालय में गूंजती रहती है। उच्च प्रेरणा के बावजूद कबीर, अंजलि शेट्टी और विक्रम बख्शी की टीम दोषियों की पहचान करने के लिए संघर्ष करती है, जिससे दिल्ली पुलिस के सामने चुनौतियां बढ़ जाती है। इस बीच टीम के सदस्यों के बीच टकराव पैदा हो जाता है, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। लेकिन चिंता ना करें, दृढ़ निश्चयी पुलिसकर्मी झुकने से इनकार करते हैं और चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। रोहित शेट्टी द्वारा निर्मित पुलिस एक्शन ड्रामा सीरीज में श्वेता तिवारी, निकितिन धीर,
रितु राज सिंह, मुकेश ऋषि और ललित परिमुख भी प्रमुख भूमिकाओं में है। भारतीय पुलिस बॉल 19 जनवरी 2024 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। स्ट्रीमिंग दिग्गज के एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये श्रृंखला भारतीय पुलिस अधिकारियों की निस्वार्थ सेवा, अटूट प्रतिबद्धता और उग्र देशभक्ति को हार्दिक श्रद्धांजलि देती है, जिन्होंने राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए अपने कर्तव्य के आह्वान पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस शो में 7 एपिसोड शामिल है। ट्रेलर लॉन्च के दिन अपने विचार साझा करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल में खाकी वर्दी पहनने पर गर्व है। ये उस्ताद रोहित शेट्टी के साथ पुलिस जगत का अगला अध्याय है। हमारे बहादुर डीलों को चित्रित करना हमेशा एक बड़ी जिम्मेदारी है और कबीर मलिक के चरित्र के माध्यम से ऐसा करने में सक्षम होना एक सम्मान की बात थी। खतरे के बावजूद भी सत्य के प्रति प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयास हमारे देश की पुलिस बॉल की सच्ची भावना को दर्शाते हैं। इस पुलिस एक्शन ड्रामा की कहानी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए बलिदानों पर गहराई से प्रकाश डालती है। दर्शकों को एक रोमांचक और मनोरंजक यात्रा पर ले जाने, अपने वास्तविक जीवन के नायकों का जश्न मनाने और उनका सम्मान करने के लिए उत्साहित हो। जय हिंद। भारतीय पुलिस बॉल का हिस्सा बनना मेरे लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव था। ये सिर्फ एक पुलिस श्रृंखला नहीं है, ये हमारे देश के गुमनाम नायकों, बहादुर पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल शुरू होने से ही एड्रेनलिन रश पैक करता है, जिससे दर्शक अपनी सीटों से चिपके रहते हैं। पहली महिला पुलिसकर्मी के रूप में पुलिस जगत में अपनी पहली वेब श्रृंखला के लिए रोहित शेट्टी के साथ सहयोग करना वास्तव में मेरे लिए एक बड़ा क्षण था। पुलिस परिवेश में उनकी दृष्टि और अनुभव से सेलुलाइट पर कानून प्रवर्तन और अधिकारियों के चित्रण में एक अद्वितीय तीव्रता जोड़ दी है। श्रृंखला में एक महिला पुलिसकर्मी होने के नाते एक्शन दृश्यों में शामिल होना सशक्त और उत्साहवर्धक दोनों था। मेरा किरदार एक मजबूत चरित्र है जो दर्शाता है कि ताकत और लचीलापन कोई लिंग नहीं जानता, और मुझे उस श्रृंखला का हिस्सा होने पर गर्व है जो हमारे भारतीय पुलिस बॉल की विविधता का जश्न मनाती है। भारतीय पुलिस बॉल शेट्टी के पुलिस बर्मान का स्ट्रीमिंग स्पिन ऑफ है, जिसमें सिंगम, सिंगम रिटर्न्स, सूर्यवंशी, सिम्बा और आगामी सिंगम 3 जैसे नाटकीय हिट शामिल है। कॉप यूनिवर्स में सिद्धार्थ संग दिल्ली पुलिस की धमाकेदार एंट्री। रिलीज हुआ ट्रेलर। एक लंबे समय से फैंस सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के ट्रेलर के इंतजार में बैठे हुए थे। रोहित शेट्टी की डेब्यू सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा करते हुए नजर आने वाले हैं। खैर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय स्टारर इस वेब सीरीज को फैंस के बीच अभी OTT में आने के लिए थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन प्रशंसकों की बेकरारी को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों की तरह ही भरपूर एक्शन डाला है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी कॉप्स यूनिवर्स पर संगम, सिम्बा, सूर्यवंशी और इस जैसी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज के माध्यम से दर्शकों के बीच पुलिस अधिकारियों की क्रिमिनल्स को पकड़ने की दिन रात मेहनत को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स का ये 3 मिनट का ट्रेलर काफी धमाकेदार है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के खेलने नहीं खेल खत्म करने और खून किसी का भी बहे आंसू माँ के निकलते हैं और दिल्ली का लौंडा जैसे दमदार डायलॉग्स आपका दिल जीत लेंगे। वही शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की जुगलबंदी देखने के बाद आप बस देखते ही रह जाएंगे। इंडियन पुलिस फोर्स में सिद्धार्थ, शिल्पा और विवेक ओबेरॉय का दमदार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों के जरिए अब तक महाराष्ट्र पुलिस को हीरो के रूप में पर्दे पर दर्शाया है, लेकिन ये पहली बार है जब वो दिल्ली पुलिस की कहानी को भी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने डेब्यू सीरीज में रोहित शेट्टी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उनकी फिल्मों के फ्लेवर यानी कि एक्शन और गाड़ी उड़ाना दर्शक वेब सीरीज में भी कहीं मिस न करे। रोहित शेट्टी और सुशांत प्रकाश के निर्देशन में बनी इस सीरीज के एक छोटे से ट्रेलर ने फैंस के बीच बेचैनी और भी बढ़ा दिया है।
शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबरॉय के अलावा इस वेब सीरीज में शरद तेलकर भी नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स 19 जनवरी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर आउट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय ने कमाल कर दिया। आखिरकार रोहित शेट्टी की धाकड़ फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो OTT पर धमाका करने के लिए तैयार नजर आ रही है। इस फिल्म से सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय OTT पर डेब्यू करने जा रहे हैं, और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि यकीनन वो तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में मसाला एक्शन ड्रामा सब कुछ है। 3 मिनट 2 सेकंड की इस ट्रेलर में वो सब कुछ नजर आ रहा है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधने का दम रखती है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है दिल्ली के पार्लियामेंट में हुए बम धमाके वाले सीन से, जहां आग का गोला नजर आ रहा है। यहां से शुरू होती है दिल्ली पुलिस की जंग और उसकी शुरुआत। इस ट्रेलर में देश की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक सुरक्षा वाली जगह पार्लियामेंट हाउस के पास दिखाए हमले ने सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस में हर काम मच जाता है। इस ट्रेलर की शुरुआत में कहा जा रहा है कि आज जो हुआ है हमला किसी मार्केट पर नहीं, हमारे हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ है। सांप हमारे से खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। आखिरकार दिल्ली पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस पर भी उंगलियां उठती है और फिर शुरू होती है अपराधियों के जड़ से दबोचने की जंग। ट्रेलर में शिल्पा शेट्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा की सीनियर ऑफिसर के रोल में है और काफी दमदार नजर आई है। ट्रेलर के एक सीन में शिल्पा सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछताछ करते हुए बताती है कि उनके बारे में जो सुना है वो कुछ अच्छा नहीं। हालांकि सिद्धार्थ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि वो इस सिस्टम के सबसे शानदार सिपाही है। आखिरकार यही टीम दिल्ली पुलिस को भी धाकड़ टीम बना जाती है। वो बम धमाका करने वालों को ढूंढ निकालने में जी जान लगा देती है। जवाब पुलिस ऑफिसर्स की कहानियों पर सिम्बा, सिंघम और सूर्यवंशी जैसी शानदार एक्शन फिल्में बना चुके रोहित शेट्टी इस बार इंडियन पुलिस फोर्स की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जज्बे सिपाहियों की, जो अपराधियों और आतंकियों के जड़ों तक पहुंचने के लिए अपनी जान का बाजी लगा देते हैं। बता दें कि इस फिल्म का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर होने वाला है। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर हुआ रिलीज, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय खेल खत्म करने के लिए है तैयार। क्या रोहित शेट्टी की दुनिया से ज्यादा विस्फोटक और हाई ऑक्टेन कुछ है? इसकी अत्यधिक संभावना नहीं है, और उनकी पहली पुलिस एक्शन सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर इसी पर जोर देता है। कुछ भी हो, शेट्टी का कॉप यूनिवर्स इस बार और भी अधिक विस्तृत और रोमांचकारी होने वाला है, जिसमें पहले से कहीं अधिक संख्या में कारें हवा में उड़ती नजर आएगा। श्रृंखला का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर शुक्रवार को जारी किया गया, जो एक नाटकीय विस्फोट के साथ खुलता है, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी का संवाद होता है जिसमें कहा गया है कि ये घटना किसी बाजार पर हमला नहीं है बल्कि हमारे साहस और प्रतिबद्धता पर हमला है। साथ ही अधिकारियों को मामले को तेजी से सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना। सालों बाद उन्हें काकरोच कहने के बाद कंगना रनौत का कहना है कि विक्रांत मेसी इरफान खान द्वारा छोड़े गए शून्य को भर सकते हैं। हम खेल नहीं खेलते, दिल्ली पुलिस ने खेल खत्म कर दिया है, SP कबीर मलिक IPS कहते हैं, जिसकी गूंज यस सर से गूंजती है। उनके मतहतों की आवाज पूरे पुलिस मुख्यालय में गूंजती रहती है। उच्च प्रेरणा के बावजूद कबीर, अंजलि शेट्टी और विक्रम बख्शी की टीम दोषियों की पहचान करने के लिए संघर्ष करती है, जिससे दिल्ली पुलिस के सामने चुनौतियां बढ़ जाती है। इस बीच टीम के सदस्यों के बीच टकराव पैदा हो जाता है, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। लेकिन चिंता ना करें, दृढ़ निश्चयी पुलिसकर्मी झुकने से इनकार करते हैं और चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। रोहित शेट्टी द्वारा निर्मित पुलिस एक्शन ड्रामा सीरीज में श्वेता तिवारी, निकितिन धीर,
ऋतुराज सिंह, मुकेश ऋषि और ललित परिमुख भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। भारतीय पुलिस बॉल 19 जनवरी 2024 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। स्ट्रीमिंग दिग्गज के एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये श्रृंखला भारतीय पुलिस अधिकारियों की निस्वार्थ सेवा, अटूट प्रतिबद्धता और उग्र देशभक्ति को हार्दिक श्रद्धांजलि देती है, जिन्होंने राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए अपने कर्तव्य के आह्वान पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस शो में 7 एपिसोड शामिल है। ट्रेलर लॉन्च के दिन अपने विचार साझा करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल में खाकी वर्दी पहनने पर गर्व है। ये उस्ताद रोहित शेट्टी के साथ पुलिस जगत का अगला अध्याय है। हमारे बहादुर डीलों को चित्रित करना हमेशा एक बड़ी जिम्मेदारी है और कबीर मलिक के चरित्र के माध्यम से ऐसा करने में सक्षम होना एक सम्मान की बात थी। खतरे के बावजूद भी सत्य के प्रति प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयास हमारे देश की पुलिस बॉल की सच्ची भावना को दर्शाते हैं। इस पुलिस एक्शन ड्रामा की कहानी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए बलिदानों पर गहराई से प्रकाश डालती है। दर्शकों को एक रोमांचक और मनोरंजक यात्रा पर ले जाने, अपने वास्तविक जीवन के नायकों का जश्न मनाने और उनका सम्मान करने के लिए उत्साहित हो। जय हिंद। भारतीय पुलिस बॉल का हिस्सा बनना मेरे लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव था। ये सिर्फ एक पुलिस श्रृंखला नहीं है, ये हमारे देश के गुमनाम नायकों, बहादुर पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल शुरू होने से ही एड्रेनलिन रश पैक करता है, जिससे दर्शक अपनी सीटों से चिपके रहते हैं। पहली महिला पुलिस कर्मी के रूप में पुलिस जगत में अपनी पहली वेब श्रृंखला के लिए रोहित शेट्टी के साथ सहयोग करना वास्तव में मेरे लिए एक बड़ा क्षण था। पुलिस परिवेश में उनकी दृष्टि और अनुभव से सेलुलाइट पर कानून प्रवर्तन और अधिकारियों के चित्रण में एक अद्वितीय तीव्रता जोड़ दी है। श्रृंखला में एक महिला पुलिस कर्मी होने के नाते एक्शन दृश्यों में शामिल होना सशक्त और उत्साह वर्धक दोनों था। मेरा किरदार एक मजबूत चरित्र है जो दर्शाता है कि ताकत और लचीलापन कोई लिंग नहीं जानता, और मुझे उस श्रृंखला का हिस्सा होने पर गर्व है जो हमारे भारतीय पुलिस बॉल की विविधता का जश्न मनाती है। भारतीय पुलिस बॉल शेट्टी के पुलिस बरमान का स्ट्रीमिंग स्पिन ऑफ है, जिसमें सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, सूर्यवंशी, सिम्बा और आगामी सिंघम 3 जैसे नाटकीय हिट शामिल है। कॉप यूनिवर्स में सिद्धार्थ संग दिल्ली पुलिस की धमाकेदार एंट्री। रिलीज हुआ ट्रेलर। एक लंबे समय से फैंस सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के ट्रेलर के इंतजार में बैठे हुए थे। रोहित शेट्टी की डेब्यू सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा करते हुए नजर आने वाले हैं। खैर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय स्टारर इस वेब सीरीज को फैंस के बीच अभी ओटीटी में आने के लिए थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन प्रशंसकों की बेकरारी को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों की तरह ही भरपूर एक्शन डाला है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी कॉप्स यूनिवर्स पर सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी और इस जैसी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीरीज के माध्यम से दर्शकों के बीच पुलिस अधिकारियों की क्रिमिनल्स को पकड़ने की दिन रात मेहनत को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स का ये 3 मिनट का ट्रेलर काफी धमाकेदार है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के खेलने नहीं खेल खत्म करने और खून किसी का भी बहे आंसू माँ के निकलते हैं और दिल्ली का लौंडा जैसे दमदार डायलॉग्स आपका दिल जीत लेंगे। वहीं शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की जुगलबंदी देखने के बाद आप बस देखते ही रह जाएंगे। इंडियन पुलिस फोर्स में सिद्धार्थ, शिल्पा और विवेक ओबरॉय का दमदार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों के जरिए अब तक महाराष्ट्र पुलिस को हीरो के रूप में पर्दे पर दर्शाया है, लेकिन ये पहली बार है जब वो दिल्ली पुलिस की कहानी को भी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने डेब्यू सीरीज में रोहित शेट्टी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उनकी फिल्मों के फ्लेवर यानी कि एक्शन और गाड़ी उड़ाना दर्शक वेब सीरीज में भी कहीं मिस न करे। रोहित शेट्टी और सुशांत प्रकाश के निर्देशन में बनी इस सीरीज के एक छोटे से ट्रेलर ने फैंस के बीच बेचैनी और भी बढ़ा दिया है।
शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबरॉय के अलावा इस वेब सीरीज में शरथ केलकर भी नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स 19 जनवरी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर आउट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय ने कमाल कर दिया। आखिरकार रोहित शेट्टी की धाकड़ फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो ओटीटी पर धमाका करने के लिए तैयार नजर आ रही है। इस फिल्म से सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय ओटीटी पर डेब्यू करने जा रहे हैं, और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि यकीनन वो तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में मसाला एक्शन ड्रामा सब कुछ है। 3 मिनट 2 सेकंड की इस ट्रेलर में वो सब कुछ नजर आ रहा है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधने का दम रखती है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है दिल्ली के पार्लियामेंट में हुए बम धमाके वाले सीन से, जहां आग का गोला नजर आ रहा है। यहां से शुरू होती है दिल्ली पुलिस की जंग और उसकी शुरुआत। इस ट्रेलर में देश की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक सुरक्षा वाली जगह पार्लियामेंट हाउस के पास दिखाए हमले ने सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस में हर कांप मच जाता है। इस ट्रेलर की शुरुआत में कहा जा रहा है कि आज जो हुआ है हमला किसी मार्केट पर नहीं, हमारी हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ है। सांप हमारे से खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। आखिरकार दिल्ली पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस पर भी उंगलियां उठती है और फिर शुरू होती है अपराधियों के जड़ से दबोचने की जंग। ट्रेलर में शिल्पा शेट्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा की सीनियर ऑफिसर के रोल में है और काफी दमदार नजर आई है। ट्रेलर के एक सीन में शिल्पा सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछताछ करते हुए बताती है कि उनके बारे में जो सुना है वो कुछ अच्छा नहीं। हालांकि सिद्धार्थ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि वो इस सिस्टम के सबसे शानदार सिपाही है। आखिरकार यही टीम दिल्ली पुलिस को भी धाकड़ टीम बना जाती है। वो बम धमाका करने वालों को ढूंढ निकालने में जी जान लगा देती है। जवाब पुलिस ऑफिसर्स की कहानियों पर सिम्बा, सिंघम और सूर्यवंशी जैसी शानदार एक्शन फिल्में बना चुके रोहित शेट्टी इस बार इंडियन पुलिस फोर्स की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जज्बे सिपाहियों की, जो अपराधियों और आतंकियों के जड़ों तक पहुंचने के लिए अपनी जान का बाजी लगा देते हैं। बता दें कि इस फिल्म का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर होने वाला है। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर हुआ रिलीज। सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय खेल खत्म करने के लिए है तैयार। क्या रोहित शेट्टी की दुनिया से ज्यादा विस्फोटक और हाई ऑक्टेन कुछ है? इसकी अत्यधिक संभावना नहीं है, और उनकी पहली पुलिस एक्शन सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर इसी पर जोर देता है। कुछ भी हो, शेट्टी का कॉप यूनिवर्स इस बार और भी अधिक विस्तृत और रोमांचकारी होने वाला है, जिसमें पहले से कहीं अधिक संख्या में कारें हवा में उड़ती नजर आएगा। श्रृंखला का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर शुक्रवार को जारी किया गया, जो एक नाटकीय विस्फोट के साथ खुलता है, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी का संवाद होता है जिसमें कहा गया है कि ये घटना किसी बाजार पर हमला नहीं है बल्कि हमारे साहस और प्रतिबद्धता पर हमला है। साथ ही अधिकारियों को मामले को तेजी से सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना। सालों बाद उन्हें काकरोच कहने के बाद कंगना रनौत का कहना है कि विक्रांत मेसी इरफान खान द्वारा छोड़े गए शून्य को भर सकते हैं। हम खेल नहीं खेलते, दिल्ली पुलिस ने खेल खत्म कर दिया है, एसपी कबीर मलिक आईपीएस कहते हैं, जिसकी गूंज यस सर से गूंजती है। उनके मत हतों की आवाज पूरे पुलिस मुख्यालय में गूंजती रहती है। उच्च प्रेरणा के बावजूद कबीर, अंजलि शेट्टी और विक्रम बख्शी की टीम दोषियों की पहचान करने के लिए संघर्ष करती है, जिससे दिल्ली पुलिस के सामने चुनौतियां बढ़ जाती है। इस बीच टीम के सदस्यों के बीच टकराव पैदा हो जाता है, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। लेकिन चिंता ना करें, दृढ़ निश्चयी पुलिसकर्मी झुकने से इनकार करते हैं और चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। रोहित शेट्टी द्वारा निर्मित पुलिस एक्शन ड्रामा सीरीज में श्वेता तिवारी, निकितिन धीर,
ऋतुराज सिंह, मुकेश ऋषि और ललित परिमुख भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। भारतीय पुलिस बॉल 19 जनवरी 2024 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। स्ट्रीमिंग दिग्गज के एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये श्रृंखला भारतीय पुलिस अधिकारियों की निस्वार्थ सेवा, अटूट प्रतिबद्धता और उग्र देशभक्ति को हार्दिक श्रद्धांजलि देती है, जिन्होंने राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए अपने कर्तव्य के आह्वान पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस शो में 7 एपिसोड शामिल है। ट्रेलर लॉन्च के दिन अपने विचार साझा करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल में खाकी वर्दी पहनने पर गर्व है। ये उस्ताद रोहित शेट्टी के साथ पुलिस जगत का अगला अध्याय है। हमारे बहादुर ढिल्लों को चित्रित करना हमेशा एक बड़ी जिम्मेदारी है और कबीर मलिक के चरित्र के माध्यम से ऐसा करने में सक्षम होना एक सम्मान की बात थी। खतरे के बावजूद भी सत्य के प्रति प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयास हमारे देश के पुलिस बल की सच्ची भावना को दर्शाते हैं। इस पुलिस एक्शन ड्रामा की कहानी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए बलिदानों पर गहराई से प्रकाश डालती है। दर्शकों को एक रोमांचक और मनोरंजक यात्रा पर ले जाने, अपने वास्तविक जीवन के नायकों का जश्न मनाने और उनका सम्मान करने के लिए उत्साहित हूँ। जय हिंद। भारतीय पुलिस बॉल का हिस्सा बनना मेरे लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव था। ये सिर्फ एक पुलिस श्रृंखला नहीं है, ये हमारे देश के गुमनाम नायकों, बहादुर पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने कहा, भारतीय पुलिस बॉल शुरू होने से ही एड्रेनलिन रश पैक करता है, जिससे दर्शक अपनी सीटों से चिपके रहते हैं। पहली महिला पुलिसकर्मी के रूप में पुलिस जगत में अपनी पहली वेब श्रृंखला के लिए रोहित शेट्टी के साथ सहयोग करना वास्तव में मेरे लिए एक बड़ा क्षण था। पुलिस परिवेश में उनकी दृष्टि और अनुभव से सेलुलाइट पर कानून प्रवर्तन अधिकारियों के चित्रण में एक अद्वितीय तीव्रता जोड़ दी है। श्रृंखला में एक महिला पुलिसकर्मी होने के नाते एक्शन दृश्यों में शामिल होना सशक्त और उत्साहवर्धक दोनों था। मेरा किरदार एक मजबूत चरित्र है जो दर्शाता है कि ताकत और लचीलापन कोई लिंग नहीं जानता, और मुझे उस श्रृंखला का हिस्सा होने पर गर्व है जो हमारे भारतीय पुलिस बॉल की विविधता का जश्न मनाती है। भारतीय पुलिस बॉल शेट्टी के पुलिस बलवान का स्ट्रीमिंग स्पिन ऑफ है, जिसमें सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, सूर्यवंशी, सिम्बा और आगामी सिंघम 3 जैसे नाटकीय हिट शामिल है। कॉप यूनिवर्स में सिद्धार्थ संग दिल्ली पुलिस की धमाकेदार एंट्री। रिलीज हुआ ट्रेलर। एक लंबे समय से फैंस सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के ट्रेलर के इंतजार में बैठे हुए थे। रोहित शेट्टी की डेब्यू सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा करते हुए नजर आने वाले हैं। खैर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय स्टारर इस वेब सीरीज को फैंस के बीच अभी OTT में आने के लिए थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन प्रशंसकों की बेकरारी को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों की तरह ही भरपूर एक्शन डाला है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी कॉप्स यूनिवर्स पर सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी और इस जैसी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज के माध्यम से दर्शकों के बीच पुलिस अधिकारियों की क्रिमिनल्स को पकड़ने की दिन रात मेहनत को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स का ये 3 मिनट का ट्रेलर काफी धमाकेदार है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के खेलने नहीं खेल खत्म करने और खून किसी का भी बहे आंसू माँ के निकलते हैं और दिल्ली का लौंडा जैसे दमदार डायलॉग्स आपका दिल जीत लेंगे। वही शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की जुगलबंदी देखने के बाद आप बस देखते ही रह जाएंगे। इंडियन पुलिस फोर्स में सिद्धार्थ, शिल्पा और विवेक ओबरॉय का दमदार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों के जरिए अब तक महाराष्ट्र पुलिस को हीरो के रूप में पर्दे पर दर्शाया है, लेकिन ये पहली बार है जब वो दिल्ली पुलिस की कहानी को भी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने डेब्यू सीरीज में रोहित शेट्टी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उनकी फिल्मों के फ्लेवर यानी कि एक्शन और गाड़ी उड़ाना दर्शक वेब सीरीज में भी कहीं मिस न करे। रोहित शेट्टी और सुशांत प्रकाश के निर्देशन में बनी इस सीरीज के एक छोटे से ट्रेलर ने फैंस के बीच बेचैनी और भी बढ़ा दिया है।
शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबरॉय के अलावा इस वेब सीरीज में शरद तेलकर भी नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स 19 जनवरी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर आउट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय ने कमाल कर दिया। आखिरकार रोहित शेट्टी की धाकड़ फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो OTT पर धमाका करने के लिए तैयार नजर आ रही है। इस फिल्म से सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय OTT पर डेब्यू करने जा रहे हैं, और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि यकीनन वो तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में मसाला एक्शन ड्रामा सब कुछ है। 3 मिनट 2 सेकंड की इस ट्रेलर में वो सब कुछ नजर आ रहा है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधने का दम रखती है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है दिल्ली के पार्लियामेंट में हुए बम धमाके वाले सीन से, जहां आग का गोला नजर आ रहा है। यहां से शुरू होती है दिल्ली पुलिस की जंग और उसकी शुरुआत। इस ट्रेलर में देश की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक सुरक्षा वाली जगह पार्लियामेंट हाउस के पास दिखाए हमले ने सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस में हर काम मच जाता है। इस ट्रेलर की शुरुआत में कहा जा रहा है कि आज जो हुआ है हमला किसी मार्केट पर नहीं, हमारी हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ है। सांप हमारे से खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। आखिरकार दिल्ली पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस पर भी उंगलियां उठती है और फिर शुरू होती है अपराधियों के जड़ से दबोचने की जंग। ट्रेलर में शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा की सीनियर ऑफिसर के रोल में है और काफी दमदार नजर आई है। ट्रेलर के एक सीन में शिल्पा सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछताछ करते हुए बताती है कि उनके बारे में जो सुना है वो कुछ अच्छा नहीं। हालांकि सिद्धार्थ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि वो इस सिस्टम के सबसे शानदार सिपाही है। आखिरकार यही टीम दिल्ली पुलिस को भी धाकर टीम बना जाती है। वो बम धमाका करने वालों को ढूंढ निकालने में जी जान लगा देती है। जवाब पुलिस ऑफिसर्स की कहानियों पर सिम्बा, सिंघम और सूर्यवंशी जैसी शानदार एक्शन फिल्में बना चुके रोहित शेट्टी इस बार इंडियन पुलिस फोर्स की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जज्बे सिपाहियों की, जो अपराधियों और आतंकियों के जड़ों तक पहुंचने के लिए अपनी जान का बाजी लगा देते हैं। बता दें कि इस फिल्म का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर होने वाला है।